We are honored to have a real estate industry expert with with us today. So let's start seminar with... यहाँ पे हमारे यहाँ फाइल कल्चर एक बड़ा अजीब सा फिना है लोग फाइल लेते हैं ओपन फाइल के कई मसाइल आते हैं तो इन ये जो मसाइल estate स्टेट हैं इनके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि क्या मसाइल हैं रियल स्टेट पाकिस्तान की इकॉनमी में क्यों contribute नहीं कर रही है आल दो इन्वेस्टमेंट तो बहुत हो रही है तो इनमें आप अपना सहारे ख्याल करें जी सर मैं सबसे पहले पाइड का बहुत ज्यादा शिक्र हूँ कि उन्होंने मुझे इस फोरम पे बुलाया और मुझे अपने ख्याल के इजहार का मौका दिया मैं छोटी सी एक बात से शुरू करूँगा कि ये जो अरबी का माँ रेवियल अबल चल रहा है ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है और ये एक बड़ा यूनिक वाक्य है जो इस अर्थ पर हुआ ऐसा वाकया जिंदगी में दोबारा क्या तक नहीं आएगा क्योंकि जिस दिन हमारे नबी नबीसलाम पैदा हुए उस दिन ये जो आसमान था ये रोशनियों और खुशबुओं से अल्लाह ने भर दिया और ऐसी अजीम हस्ती का नजूल इस जमीन के ऊपर हुआ कि हम इतने ज्यादा खुश नसीब ठहरे कि अल्लाह पाक ने हमें उस प्यारे नबी का उमती बनाया अब ये हमारे ऊपर है कि हम अल्लाह के बताए हुए तरीके और नबीसलम की सुन्नत के मुताबिक अमल करें और ये जो अल्लाह ने हमारे ऊपर इतना बड़ा करम किया या इतना बड़ा एहसान किया कि हमें उस नबी का उम्ती बनाया जिसके उम्मीती बनने के लिए जो पहले बड़े बड़े नबी जिनके दर्जे बहुत ज़्यादा अल्लाह ने बयान किया है पाक में वो नबी भी हमारे नबी की उम्मीती बानने के लिए दुआ करते थे तो हमें इस चीज़ का जो है वो तदरा करना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि अल्लाह ने इतने बड़े ए प्यारे नबी और आखिर जमां जो क़्यामत तक अब नबी रहेंगे उनका उमती बनाया तो हम अपने अल्लाह के अहकाम पर अमल करके अपनी आखरत को सवार सकते हैं और जन्नत के हकदार ठहर सकते हैं तो अल्लाह पाक हमें इन अहकाम पर नबीसम की सुनत पर अमल करने की तोफीक दे आबीन सुमा आमीन। अब मैं जी जिस मौजू के लिए आपने बुलाया मैं उस पर दो तीन गुजारशात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ एक तो यह है कि मुझे कुछ बताया गया कि जी आप अपने बारे में भी बताएं मेरा बेसी गली फैसलाबाद से तल्लक है मैं राइ बरदरी से हूँ तो मैं बहुत थोड़े से सरमाए के साथ इस्लामाबाद आया इंतहाई कम सरमाए के साथ आप देख लें कि एक जो गांव का आदमी होता है जिसका वालद एक गांव में काम करता हो उसके पास कितना सरमाया हो सकता है तो आकर अल्लाह के ऊपर तोल करके और एक मेहनत का जज्बा लेकर और अनेस्टी का जज्बा लेकर काम को शुरू किया आज अल्लाह पाक का करम है कि जो फैसल टाउन का ब्रांड है जहां जितने मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं आप ई इलेवन थ्री से शुरू करें एलेवन थ्री मैंने बनाया जो इस्लामाबाद के एफ टेन एफ एलेवन के साथ है फिर मैंने सेक्टर ई इलेवन वन बनाया फिर एक नॉर्दर्न स्ट्रिप बनाया जो सी डी ए के साथ मिलकर बनाया और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाद में कैंसल करके किसी रीजन के ऊपर वापस सी डी ए को दिया जिसका एक एक प्लॉट पाँच पाँच छः अरब रुपए का बिखरा है वो प्रोजेक्ट मेरा बनाया हुआ है फिर हमने टेली गार्डन एफ सेवन बनाया मल्टी गार्डन बी सेवन बनाया मल्टी रेजिडेंशिया बनाया, 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 फैसल सी बनाया, फैसल मरगला सिटी बनाया फिर फैसल हिल बनाया और अब हम ए, पाकिस्तान का एक लैंडमार्क और मेगा सिटी बना रहे हैं जो इस्लामाबाद रावल पिंडी को रिप्लेस करेगा वो फैसल टाउन फेज टू के नाम से मशहूर है और जो ठलिया इंटरचेंज से लेकर चक्री के दरमियान आता है अगर आप अभी भी लाहौर की तरफ जाएं तो आपको कटी पहाड़ी के पास जब आप जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो फैसल टाउन के बोर्ड नजर आने शुरू हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ा एक एरिया है तकरीबन एक लाख कनाल से ज्यादा हाँ। है लेकिन अब जैसे दुनिया में एक ट्रेंड है कि वर्टिकल डेवेलपमेंट का ट्रेंड है तो वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम अपना सारा तजर्बा जो है वो जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो है वो हम बना रहे हैं उसकी ताला नवम्बर में हम डेवलपमेंट शुरू करेंगे तो वो पाकिस्तान में एक रियल एक प्रोजेक्ट आपको इनशाला नजर आएगा जिसके ऊपर हमारा पाकिस्तानी भी और बाहर के लोग भी इनशा तक करेंगे इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद में देखें तो हमारे पास बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी है जो हमारी अपनी है ए बिलू एरिए में हमारे पास एक प्लॉट है एफ नाइन पार्क के सामने वो पाकिस्तान का खूबसूरत और सी की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लॉट जो था वो हमने लिया था नौ अरब रुपए का उसके अलावा अगर एफ एलेवन में आप जाए तो उसके सामने हमारे पास एक किस कनाल का प्लाट है वो भी कमर्शल प्लॉट है बिलू एरिए का तो इस तरह ये जो काम है ये इसमें हम रियल एस्टेट का जो है वो काम कर का रहे हैं फैसल टाउन जो है वो एक इस तरह का ब्रांड नहीं है कि आप ने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हमारा काम करने का तरीका ही और है जैसे मैंने कहा कि हमने मैंने अपनी रिय एस्टेट का सफर जो है वो ई थ्री से शुरू किया ईलेवन थ्री जो है जो पहला मैंने प्रोजेक्ट बनाया आज भी पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम है जो रियल एस्टेट में काम करते हैं जैसे डी एच ए है बैरिया टाउन है उनका प्लॉट भी पाकिस्तान में कहीं पे भी इतना महंगा नहीं है जितना सेक्टर इलेवन थ्री का है आज भी उसका प्लॉट जो सबसे कमजोर लोकेशन का है वो नौ करोड़ से लेकर चौदह करोड़ तक का है पांच सौ गज का एक प्लॉट खाली प्लॉट उसकी कीमत है ये पाकिस्तान में किसी को ये अल्लाह ने ये चीज किसी के हिस्से में नहीं दी कि उसके प्लॉट की कीमत जो है वो इतनी महंगी हो दूसरा मुझे तीस बत्तीस साल हो गए गया रियल एस्टेट के बिजनेस में काम करते हुए बत्तीस साल में कभी आपने प्रिंट मीडिया पे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे या सोशल मीडिया पे हमारे फैसल टाउन से या मल्टी के प्लेटफॉर्म से कभी पोस्ट आपने नहीं देखी कि हमारी फला प्रोडक्ट है वो हम सेल करना चाहते हैं ये एक बड़ी यूनिक बात है जो हमारे हिस्से में आई है प्रोजेक्ट वाइज हमारे डीएचए से भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है फर्ज करो बी सेवेंटीन चालीस हजार कनाल का प्रोजेक्ट है फैसल हिल जो है वो पचास हजार कनाल से बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन इतने बड़े वॉल्यूम के प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए हमने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं की। कभी किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी को हायर नहीं किया हमने कभी अपने ए, लोक अपना जो हमारा इंटरनल सेटअप है उसको हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया यानी लोग हमारे प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे होते हैं यू ही हम कहते हैं कि हम कल को प्रोजेक्ट सोल्ड करेंगे फर्ज करो मैं लास्ट प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जो एफ टी टू हमने ए, सोल्ड किया है वो जो उसकी कोई अप्रूवल नहीं थी मुतलका अथॉरिटी से जब मैंने ए, उसके अलावा जितने हमारे प्रोजेक्ट मैंने आपको गिनाए फाइनल एनओसी हर अथॉरिटी से शूए हुए जो वाहद प्रोजेक्ट था जिसकी प्रलिमिनरी अप्रूवल भी हमारे पास नहीं थी तो मैंने सबको बुलाया उनको बुलाकर ब्रीफ किया कि इसकी हमारे पास अभी कोई अप्रूवल नहीं है हम आपसे रजिस्ट्रेशन करेंगे मेंबरशिप लेंगे और वन थर्ड प्रोजेक्ट टोटल बेचेंगे उसके बाद जो आपकी बुकिंग आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम इसका डिजाइन बनाएंगे और जो कंसर्न अथॉरिटी है उसे अप्रूवल देंगे यानी ये बात हमने सबसे पहले लोगों को बताई और फिर कहा कि अब कल शाम को इसकी बुकिंग खोलेंगे तो सेवेंटी टू आवर में हमें नोटिस बोर्ड लगाने पड़े और लोगों के अरबों रुपए पे और वापस करने पड़े और वो कोई दो चार दस अरब की मैं बात नहीं कर रहा कोई चालीस पचास अरब रुपए के पे ऑर्डर हमने जो बुकिंग थी वो हमने वापस की ये एक जो क्रेडिबिलिटी है ये अल्लाह पाक का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आसान है और वो इस वजह से है कि हम जो एंड यूजर है जो हमारा कस्टमर है उसको हम अपनी बैकबोन समझते हैं हम समझते हैं कि हमारी जो सारी कामयाबी का दारोमार है या या ब्रांड की कामयाबी का है जितने प्रोजेक्ट किए हैं तो जो एंड यूजर है जो हमारा क्लाइंट है वो हमारी रीड की हड्डी है हमने उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखना है अगर वो खुश है तो हमारा फैसलटॉन का ब्रांड खुश है वो ऊपर जाएगा अगर वो हमारा क्लाइंट खुश नहीं है तो इसी वजह से जो ई इलेवन का मैंने एक दो रेफरेंस और दे के मैं फिर आगे असल बात की तरफ आता हूं कि हमने दो लाख अठासी हजार रुपए का प्लॉट बेचा था का आज जो मैं कह रहा हूं चौदह करोड़ का है मैंने ई इलेवन वन का पंद्रह करोड़ पंद्रह लाख रुपए का प्लॉट बेचा था जो आज आठ नौ करोड़ का है फिर मैंने एफ सेवनटीन टैली गार्डन का एक कनाल का प्लॉट नाइनटी थाउजेंड का बेचा था जो आज साढ़े तीन करोड़ का है का मैंने प्लॉट चार कर, चार लाख रुपए का सिर्फ पांच सौ गज का प्लॉट बेचा था जो आज चार साढ़े चार करोड़ रुपए का इसी तरह आर्चर्ड का आप ले लें पैंतीस लाख का पांच कनाल का फार्म हाउस बेचा था उसकी कीमत देखें फैसल टाउन का मैंने चौदह लाख रुपए का तीस आठ का प्लॉट बेचा था जो आज एक करोड़ सत्तर लाख का है फैसल रेजिडेंशिया देख लें हालांकि उसमें हमें बड़े इशू आए फैसल सी स्क्वेयर देख लें फैसल मार्गला सिटी देख लें फैसल हिल देख लें वो भी हमने चौदह लाख का प्लॉट बेचा था आज जो कहते हैं कि बड़ा रियल स्टेट में जे डिप्रेशन है इसके बावजूद वो साठ सत्तर लाख रुपए का प्लॉट इसी तरह एफ टी टू का नवंबर में आप डेवलपमेंट करेंगे जे त, ए, फोल्ड इसकी प्राइस बढ़ेगी टू थ्री टाइम इसकी प्राइस बढ़ेगी तो ये क्यों है कि हम जो लोगों से कमिटमेंट करते हैं उसको ऑनर करते हैं रियल सेंस में जो है वो हम उसको ऑनर करते हैं ये नहीं होता कि आज लोगों को बताया कि इतने लाख में प्लॉट देंगे ही प्लॉट की कीमत महंगी हुई डेवलपमेंट के नाम पे बिजली के नाम पे गैस के नाम पे एस्केलेशन के नाम पे कि जी मुल्क में ये कीमतें गवर्नमेंट के ऊपर डाल दो उसके ऊपर डाल दो अपनी न किसी और के खाते में डाल दो और फिर कीमत बढ़ा दो वो ले लिया फिर कीमत बढ़ा दो मैंने बत्तीस साल हिस्ट्री में कभी नहीं हो सका एक सिंपल एग्जाम्पल पूरे पाकिस्तान में नहीं हमें दे सकता कि जिसने अपने प्लॉट की कीमत टाइम पे या थोड़े बहुत ही लेट भी जमा कराई हो उसके ऊपर हमने कभी एक रुपए का एस्केलेशन डाली हो ये हमारी हिस्ट्री है इसी का ही जो है ए, लोग हमें क्रेडिट देते हैं दूसरा हमने जे कभी नहीं कहा कि किसी की प्रॉपर्टी महंगी हो गई वो ओवरसेज पाकिस्तानी हुआ वो पाकिस्तान में हुआ वो गरीब हुआ वो अमीर हुआ वो डीजी खान का हुआ वो लाहौर का हुआ वो इस्लामाबाद का हुआ हमने उसके प्लॉट का नंबर बदल दिया उसने अपनी कीमत पूरी दी थी हमने उसकी, उसका लोकेशन बदल दी जो दस करोड़ वाला प्लॉट था वो लिया उसको दो ये हम नहीं करते हमारे लोगों की जेबों पे लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर हमने कभी नजर नहीं दौड़ाई हम कहते हैं कि जिसने हमें पैसा दिया है जे उसकी चीज है अब इसके ऊपर हमारा कोई राइट्स नहीं है तो ये अल्लाह का करम है फिर जो हम वादा करते हैं आज दिन तक हमने अपनी स्कीम में चालीस फुट पच्चीस पचास का जो प्लॉट है जिसको चार पांच मरले का प्लॉट कहते हैं हमने उसकी भी चालीस फुट से कम सड़क नहीं बनाई हमने कभी अंडरग्राउंड बिजली के अलावा ओवरहेड बिजली नहीं लगाई सीवर ड्रेनेज जितनी सर्विसेज है जो टॉप ऑफ क्वालिटी के साथ अंडरग्राउंड सर्विसेज ले की है जो लोगों से वादे किए वो भी पूरे किए जो वादे नहीं किए थे वो भी चीजें एग्जीक्यूट की के लोगों को लोग आसान जिंदगी जो है वो गुजार सके हालांकि इस वक्त पाकिस्तान में मसला ये है जो हमारे दोस्त भाई ने कहा कि जी के जैसे दुनिया में रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है वो बड़ा हम करदार अदा कर सकती पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकती पाकिस्तान में इसलिए नहीं कर सकती कि जो पाकिस्तान में वो कल्चर ही डेवलप नहीं है ये कोई एक चीज की बात नहीं कर रहा ये सिर्फ रियल स्टेट की बात नहीं है आप देखें हम जब मसाले देते हैं पाकिस्तान जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखें तो दुनिया में एक यूनिक मुल्क है जैसे लोकेशन ही होती मैं आपको बड़े फखर से कह रहा हूं कि इस्लामाबाद में मेरा एक प्लॉट है जो एफ नाइन पार्क के सामने है वो अल्लाह ने मुझे एक यूनिक लोकेशन का प्लॉट दिया है मैं उसके ऊपर कोई चीज होल्ड करना चाहूं तो वो मेरा कोई शायद इतना कमाल दू मैं उसके ऊपर दो अरब की भी सेल करना चाहूं तो एक घंटे में कर सकता हूँ क्योंकि उसकी लोकेशन टॉप ऑफ दी लाइन है उसके ऊपर अगर मैं बिल्डिंग अच्छी बनाता हूं तो वो लोग लाइनों में लगेंगे और सिफारिशें कराएंगे कि इसमें कोई अपार्टमेंट या कोई कमर्शियल चीज हमें किसी तरीके से मिल जाए तो पाकिस्तान की इतनी जियोग्राफिकल सूरत हाल है कि जिसके साथ डेढ़ अरब की आबादी इंडिया के साथ है डेढ़ अरब की आबादी जो है वो चाइना की है तो हम अगर किसी चीज में प्रोग्रेस करते हैं कोई इनोवेशन लाते हैं अपनी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमारे पास एक मार्किट है एक क्लाइंट है फिर हमारे साथ सी है जो आठ नौ सौ जो किलोमीटर का है जिससे हम चीजें जो है वो हम इंडिया और चाइना को दे सकते हैं तो जिस तरह पाकिस्तान ये मेरा बात करने का मकसद ये था कि आज हम देखें हम कर्जों पे एक एक डॉलर पे एक अरब डॉलर के ऊपर हम किस तरह मुल्क जा रहे हैं जबकि हमारे साथ जो मुल्क जो आजाद हुए थे या हमारे बीस साल बाद हुए थे उनके रिजर्व जो है किसी के चालीस अरब है किसी के दो सौ अरब है किसी के नौ सौ अरब है किसी के कितने हैं वो मुल्क किधर गए और हम किधर किधर आए ये यही वजह है कि रियल स्टेट में भी वही डिक्लाइन है या एक विजन की जो है वो कमी नहीं थी जो कमी है वो वो इसमें आई है कि रियल स्टेट को एज ए एक इंडस्ट्री अभी तक गवर्नमेंट ने रिकगनाइज ही नहीं किया इसकी इंपॉर्टेंस को अभी तक समझा ही नहीं जे हैं कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे भाई हम किसी चीज के खिलाफ नहीं है आप जरा पे तो दें आप इंडस्ट्री के ऊपर दें आप किसी और चीज को दें आप आईटी के ऊपर दें आप माइने के ऊपर दें ये सारे ही एक बड़े बड़े पाक दुनिया में बिजनेस है जहां से दुनिया कमा रही है लोग तो समुद्रों से कमा रहे हैं लोग अपने दरियाओं से पैसा कमा रहे हैं हाइड्रल किसके ऊपर बिजली पैदा करके अरबों रुपया कमा रहे हैं हाँ कोई किसी को मना नहीं करता जो जो भी ए, ए, आपके पास कॉरिडोर हैं चीजों को पैसे कमाने के वो आप कमाएं लेकिन रियल स्टेट के बगैर अगर आप कहेंगे कि बुल्ख तरक्की कर सकता है मैं एज ए इसलिए नहीं कि मैं रियल स्टेट के साथ कारोबार करता हूं क्योंकि रियल स्टेट ने ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है आप मुझे ये बताएं पिछले तेरह साल से पाकिस्तान कह रहा है कि रावलपिंडी से लाहौर के लिए हमने ट्रैक बिछाना है रेल का तो क्यों नहीं भिशाया जी मुझे आप बता दें इसका जवाब दे दें तेरह साल से लगे हुए हैं जितना आपका वजीर है वो टीवी पे आकर ये कहता है कि ये हमने सबसे पहले बनाना है ये ट्रैक बनाना है। क्यों नहीं आप बना सके उसके लिए फिनास नहीं है उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है आपको दो चीजें चाहिए पैसा भी आप फिर चाइना को कहते हैं लाए और फिर उसको बनाने के लिए भी बंदे लाए अगर आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इनोवेशन होती और रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने तरक्की की होती आज पाकिस्तान पूरे में एक स्काई स्कीपर बिल्डिंग मुझे दिखा दिखाते एक स्काई स्कीपर बिल्डिंग दिखा दे कोई बिल्डिंग नहीं है कोई एक स्काई स्कीपर होटल बता दें आप किसी मुल्क का ले लें दुबई ले लें सिंगापुर ले लें ले ले, आप चाइना के मैं अभी चाइना के विजिट ट्रिप से आया हूं अभी ए, तीन चार दिन पहले चाइना के मैं एक गांव की बात कर रहा हूं शहर की बात नहीं कर रहा अगर हमने चाइना को देख के तरक्की करनी है वो देख लें न्यूयॉर्क को देख के तरक्की करनी है वो देख लें किसी और न्यूयॉर्क के छोटे डेलिस को देख के तरक्की करनी है वो देख लें जहां से भी आपने देख के तरक्की करनी है आप वो मॉडल देख लें स्टडी कर लें कि चाइना में एक गांव में जो बिल्डिंग की हाई राइज जो बिल्डिंग है उसकी जो हाइट है वो कितने स्टोरी है पचास स्टोरी साठ स्टोरी मैं गांव की बात कर रहा हूं जिसको हम यूनियन काउंसिल कहते हैं फिर उसके बाद तहसील काउंसिल है फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है फिर उसके बाद मेट्रोपोलिटन सिटी है चार कैटेगरी है मैं मेट्रोपोलिटन सिटी की बात नहीं कर रहा मैं डिस्ट्रिक्ट के सिटी की बात नहीं कर रहा मैं एक गांव की बात कर रहा हूं गांव में पचास पचास पचपन पचपन स्टोरी बिल्डिंगे हैं तो पाकिस्तान पूरे में एक बिल्डिंग दिखा दें जो पचपन स्टोरी हो तो क्यों उनके पास एक्सपर्टीज है उन्होंने रियल स्टेट को तरक्की दी उन्होंने अपने लोगों को अपलिफ्ट किया तो आज अगर पाकिस्तान में रियल स्टेट का बिजनेस चले या उसके ऊपर तोज्जो दी जाए या उसकी मास्टर प्लानिंग की जाए पाकिस्तान में ए मसला है कि हमने किसी भी शोबे में तरक्की नहीं की हमने हर शोबे में डिक्लाइन हम ए, की तरफ गए हैं अगर रियल स्टेट को एक इंडस्ट्री समझ के पाकिस्तान में तरक्की दी जाए और उसमें वीनरी लोगों को डाल के उसकी एक पूरे पाकिस्तान की मास्टर प्लानिंग की जाए फर्ज करें मैं एक कॉलोनी बनाता हूं एक लाख कनाल की कोई दो लाख कनाल की कोई पांच लाख की कोई दो सौ कनाल की कोई सौ कनाल की उसमें जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है मास्टर प्लान का जो हिस्सा होना चाहिए वो कोई नहीं है मुझे नहीं पता मैं अपनी स्कीम में अपनी रोडें बना देता हूं कल को गवर्नमेंट ने एक मोटरवे गुजारनी है किसी शहर की रिंग रोड गुजारनी है कोई रेलवे का ट्रैक है तो उसका तो मैंने कॉरिडोर छोड़ा ही नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी अब किसी और जगह से उसका कॉरिडोर बनाएगी जो दस करोड़ का काम था वो पचास अरब के ऊपर ले जाएगी अगर इस्लाम पाकिस्तान की मास्टर प्लानिंग हो कि जितनी हाईवे अगले 500 साल में गुजारनी है या इस पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है ये पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है ये 25 करोड़ आबादी इसकी आज है पांच साल के बाद इसकी 30 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी आज हम सर्टिफाइड दुनिया का पांचवा बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है शायद ये पांच साल दस साल के बाद हम तीसरे नंबर पे आ जाए या दूसरे चौथे नंबर पे आ जाए तो ये बताएं इतने बड़े मुल्क के लिए क्या आपने अकोमोडेशन नहीं देनी क्या फूड मैनेजमेंट नहीं करनी तो कहां से करेंगे जब आपकी जोने की नहीं है आप इस्लामाबाद देख लें ये कैपिटल है ये हमारा फेस है पूरी दुनिया में क्या इस्लामाबाद में वो जोने हुई है जो इंटरनेशनल होनी चाहिए कोई जरात के लिए कोई पानी के लिए कोई चीजें हमने रखी है कोई नहीं रखी तो कहां से लोग खाएंगे कहा से पियेंगे कहाँ पे रहेंगे अब एक जगह पे एफ सेवन में पचास करोड़ का भी प्लॉट है एक अरब का भी प्लॉट है उसके साथ कच्ची आबादी है और वो जो है वहां लोग रहना भी पसंद नहीं करते ये है पाकिस्तान की हमारा विजन और ये है हमारी मास्टर प्लानिंग आप किसी जीटी रोड के ऊपर चले जाएं आप से जीटी रोड को सफर करें आप में से बहुत दोस्तों सफर किया होगा ये नहीं कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही स्टेट पे काम नहीं हो रहा हो रहा है आपकी सोच से ज्यादा लेकिन मेस क्रिएट हो रहा है इतना जिसका दिल चाहता है दुकान सिंगल स्टोरी बना रहा है दस बाई बीस की बना रहा है फिर ऊपर एक स्टोरी बना रहा है फिर ऊपर एक स्टोरी बना रहा है फिर ऊपर एक स्टोरी बना रहा है ऐसी जिक जैक डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है जिसका आप तस्वर तो भी नहीं कर सकते जब हम बाहर की मिसालें देते हैं क्या अमेरिका में या इंग्लैंड में है वक्त का प्राइम मिनिस्टर अपने हाउस में एक कमरे का इजाफा कर सकता है जब वो दस बाई दस के कमरे का इजाफा नहीं कर सकता एज ए प्राइम मिनिस्टर होते हुए जिसमें वो अपने गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड को ठहराना चाहे तो आप कैसे बिल्डिंगों पर गए और स्टोरियों पे स्टोरियां बनाते जा रहे हैं क्योंकि तो मास्टर प्लानिंग कोई नहीं है आपके रूल रेगुलेशन कोई नहीं है कि आपने मुल्क को रियस्टेट के शोबे में कैसे आकर लेकर जाना है तो मेरी सबसे पहले इस फोरम से के जरिए रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तान में रियल स्टेट को एक इंडस्ट्री तस्लीम किया जाए और पूरे पाकिस्तान की एक जोने की जाए और वो जोने रोड और उसमें इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएं उसमें इकोनॉमिक जोन बनाए जाए उसमें पानी के रेजरवायर की जगह छोड़ी जाए उसमें जरात के लिए जगह छोड़ी जाए माइने के एरिए को लैदा किया जाए ग्रीन एरिए जाए ब्राउन एरिए जाए ताकि उस हिसाब से और उसमें जब इंटरप्रेंशल रोडें छोड़ी जाए उसमें हाईवे छोड़ी जाए उससे क्या होगा कि जो भी कोई एरिया डेवलप करेगा वो रोडों के जो राइट ऑफ वे है वो खुद ही छूटने शुरू हो जाएंगे गवर्नमेंट को पैसे लगाने की जगह नहीं मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं एक पाकिस्तान में ये बड़ा सोच है कि जो डेवलपमेंट के काम है जो गवर्नमेंट कर सकती है ये बड़ी एक गलत है हमारी गवर्नमेंट को आप यकीन जाने पाकिस्तान की जो तबाही और बर्बादी आज दिन तक हुई है जिसको मैं समझता हूं मैं एक आम आदमी होके एक फैसलाबाद से इधर आकर अपनी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी कर सकता हूं अपने बहन भाइयों की इकोनॉमिक्स अच्छी कर सकता हूं अपने खानदान की इकोनॉमिक्स अच्छी कर सकता हूं इवन के जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया उनकी इकोनॉमिक्स भी बेहतर हो गए क्या आप देखें जैसे मैंने ई की मिसाल दी कि दो लाख अठासी हजार का प्लॉट दिया था आज वो चौदाह करोड़ का है तो क्या वो उस पैसे से अपने को बच्चों की शादियां या उनकी स्टडी या वो अपनी क्या इकोनॉमिक्स बेहतर नहीं कर सकते वो कर सकते हैं? पाकिस्तान में क्या है क्यों बर्बादी इस लेवल की हुई है कि गवर्नमेंट ने ये समझा है कि ये जो डेवलपमेंट करना है ये हमारा काम है इसने आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक सिस्टम था या गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था वो तो बहुत बर्बाद कर दिया वो इसलिए कि उसमें पैसा आ गया अब देखें हम बैठे हुए मैं एक रजिस्टेट को बड़ा समझता हूं और जानता हूं डेवलपमेंट को भी कंस्ट्रक्शन को लेकिन मुझे आप में से बैठा एक इंजीनियर अगर कह दे कि दस बाई दस की छत पे जो स्टील बांध रहा है उसका फार्मूला बता दे मुझे तो नहीं पता भाई क्या है हालांकि मैं तो उस इंडस्ट्री से हूं आप मुझे कह दें कि पिशावर से कराची के लिए एलिवेटेड एक ट्रेन के लिए ट्रैक बनाना हाईवे बनानी है तो आप बना दें मैं वो बना सकता हूं लेकिन आप मुझे उसके एक पिलर का फार्मूला बनाएंगे मैं नहीं बना सकता क्योंकि मेरा काम नहीं है मैंने तो एक्सपर्ट ही जाहिर कर दी है गवर्नमेंट यह समिति है कि हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं वो पूरी दुनिया का सिस्टम आप पढ़े किसी दुनिया के आप सिस्टम को स्टडी करें वहां गवर्नमेंटें डेवलपमेंट के काम नहीं करती जिसमें स्पेंडिंग हो वो नहीं करती वो वेलफेयर का काम करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तोजो देती है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर काम करती है वो ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाते हैं वो हॉस्पिटलों पे लगाते हैं वो एजुकेशन पे लगाते हैं वो ट्रांसपोर्ट पे लगाते हैं वो उन चीजों के ऊपर पैसा लगाते हैं जो सब्सिडाइज प्रोजेक्ट होते हैं जिसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर आगे स्टेप नहीं फॉरवर्ड करता जिसमें प्रॉफिट मार्जिन हो पांच परसेंट भी प्रॉफिट मार्जिन हो आप अमेरिका की एक मैं मिसाल आपको देता हूं वहां एक अगर एक ब्रिज बनाना है वो गवर्नमेंटें खुद नहीं बनाती वो उसका टेंडर करती है कि जी ये एक फला हाईवे के ऊपर हम एक टॉल लगाने लगे हैं और इतनी गाड़ियां पर डे गुजरती हैं इतने मिलियन डॉलर इसका खर्चा है आप इसकी बेड करें कि जे आप ब्रिज बनाएंगे और आप बताएं कितने साल का टॉल जो है हमको दें उस दौरान आपने इसकी मेंटेनेंस भी खुद करनी है तो एक अमेरिका जैसा मुल्क जिसका 11 बारह सौ बिलियन डॉलर सिर्फ डिफेंस का बजट है वो एक तीन चार मिलियन डॉलर का ब्रिज नहीं बनाता उनको पता है जब हमने ये ब्रिज गवर्नमेंट के लेवल पे बनाने शुरू हुई तो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं उनका वो करप्शन की तरफ ए, वो उनका ध्यान चला जाएगा वो अपना काम छोड़ के जो उन्होंने अपने मुल्क की तरक्की के लिए करदार अदा करना था जो उसके लिए सोचना था वो सारा दिन इस चक्कर में पड़ेंगे कि हम प्रोजेक्ट कैसे कंसीव करें उसका ठेका कैसे दें उसमें से कमीशन कैसे लें वो कमीशन पे लग जाएंगे आज पाकिस्तान का हाल यही है कि कोई चीज पाकिस्तान में बनानी है किसने बनानी है गवर्नमेंट गवर्नमेंट उसका एक जल्दी से एक बीओक्यू बनाती है एक को बनाएगी पीसी वन बनाएगी पी सी वन बनता है फिर वो ठेका देते हैं फिर वो एग्जीक्यूशन होती है अब ठेका कितने का दिया जाता है दस करोड़ का काम कहां पर जाकर खत्म होता है एक सौ बीस करोड़ पे जे है पाकिस्तान में आप कोई एक मिसाल ले लें कोई एक मिसाल ले ले आप सबसे पाकिस्तान में जो चीप बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं वो है हाइड्रल या वेंड एनर्जी भी है लेकिन जो हाइड्रल है वो सबसे सस्ता सोर्स है एनर्जी का हमने नीलम जेलम प्रोजेक्ट कहा हमने बनाएंगे कितने पे कहा हमने कहा साठ अरब के ऊपर जो कंप्लीट होगा तो जब कंप्लीट हुआ कितने का हुआ कुछ तो छह सौ अरब के करीब हुआ चार माह चला बंद हो गया टनल ही बैठ गई अब हम कह रहे हैं कि उसकी रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर करेंगे कितना पैसा चाहिए चालीस अरब एक्सटीमेट है जब बनाना शुरू करेंगे उसकी रेनोवेशन करेंगे या मेंटेनेंस करेंगे वो कितने पे जाएगा दो सौ अरब इनका काम नहीं था बिजली कितनी पैदा करनी थी हजार मेगावाट हुई एक यूनिट नहीं हुई तो क्या फायदा जिस कौम में स्कूलों के बच्चे आपके मुल्क में हम तो ये कहते हैं मैं एक गांव का रहने वाला हूं जो बड़े हाथ कामते कामते अपना नाम लिख ले हम उसको कहते हैं जे लिटरेट है ओ जे अगर हमारी हमने अपने स्टैंडर्ड रखे हुए हैं तो फिर इस पाकिस्तान का अल्लाह मालिक है और वो भी कितने परसेंट है वो भी आपका लिटरेसी रेट देख लें पचास साठ परसेंट से ऊपर नहीं अगर उसको भी डाल दें आप तो पैसा हमने किसके ऊपर लगाना था पैसा लगाना था एजुकेशन पे पैसा लगाना था हेल्थ पे पैसा लगाना था ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर वो हमने पाकिस्तान में पैसा लगाया नहीं कह कैसे नहीं लगाया कि जब आप एक जो स्क्रैप हो गया प्रोजेक्ट उसके ऊपर आठ नौ सौ अरब रुपया मैं आठ नौ सौ अरब लगाता हूं, कहता हूं वो लगा दिया आपने अगर वही पैसा पाकिस्तान में हाईटेक यूनिवर्सिटियों में लगाया जाता हम कहते हैं जी पाकिस्तान का कर्जा किधर गया मैं आपको बताता हूं मैं एक छोटी सी मिसाल दे के आपको समझाता हूं मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ फर्ज करें अल्लाह ने मुझे कोई तरक्की दे दी मेरे पास अल्लाह ने वसाइल जनरेट कर दिए पैसा आ गया अब मेरा एक दूर पार का रिश्तेदार है वो बड़ा गरीब है उसके माँ बाप भी गरीब हैं वो भी गरीब है किसी वजह से उन्होंने मुझे अप्रोच किया वालदा के जरिए किया किसी के जरिए मुझे मैंने कहा यार नहीं जो भी हमारी फैमिली के लोग हैं इनको थोड़ा सा हेल्प की जाए मैं उनको बीस लाख पचास लाख रुपया अच्छी खासी अमाउंट दे देता हूँ अब अगर वो पचास लाख की रात को मैंने तो पैसे दे दिए मैंने लोन भी नहीं दिया कर दे हंसना भी नहीं दिया मैंने डोनेशन कर दी तीन चार तरीके हैं ना कि आप लोन दे दें इंटरेस्ट के ऊपर आप कर दे हंसना दे दें बगैर इंटरेस्ट के दे दें और आप फ्री में पैसे दे दें मैंने फ्री में दे दिए उसने क्या किया उस बच्चे ने फौरी तौर पर जीरो मीटर होंडा गाड़ी लाकर अपने घर में खड़ी कर दी पचास लाख की मैंने पचास लाख दिया उसने साठ लाख की गाड़ी खड़ी कर दी अब क्या होगा उसने उस लोन से लाइबिलिटी पाली अब उसने हर माह क्या करना है उसमें पेट्रोल भी डलवाना है उसकी गाड़ी में टायर खराब हो गया पेंचर भी लगाना वो भाई उस आपके पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं थे आपने वो पैसा कहां पे लगा दिया आपने लगा दिया एक ऐसी लग्जरी चीज के ऊपर जिसकी आपको जरूरत नहीं थी अब उसने लाइबिलिटी पाल ली आपने मुल्क में लोन लिया एक सौ चालीस अरब डॉलर पाकिस्तान पे लोन है आपने उसका इस्तेमाल क्या क्या किया ये लग्जरी गाड़ी वाला आपने कभी जिंदगी में नहीं होता मैं दूसरी मिसाल देता हूं एक और हमारा जानने वाला था हमने उसको पचास लाख दिया वो फैमिली समझदार थी उन्होंने जल्दी से अपने बच्चों को कांप के भी स्कूल में पढ़ो दो चार लाख रुपया उसके लिए लैदा कर लिया दो चार लाख रुपया अपने घर की छोटी मोटी रेनोवेशन के ऊपर लगा के अपने आप को थोड़ा सा अपलिफ्ट किया एक दो चार कनाल का प्लॉट प्लॉट भी एक दो चार दस लाख का ले लिया एक दो पैसा किसी जरात में थोड़ा सा अपने आप को अपलिफ्ट किया अब होना क्या शुरू हो गया कि उनके पास एक माह के बाद या एक साल के बाद उनका एक बच्चा जो है वो ग्रेजुएट कर गया मास्टर कर गया किसी अच्छी जगह पे उसको जॉब मिल गई दो बच्चे उसके इधर पढ़ने शुरू हो गए दो उसकी जो जील्ड थी जरात की वो बढ़ गई अब पता चला कि एक दो साल के बाद उसके पास पैसे आने शुरू हो गए उसने अपनी प्रायरिटी और वो नहीं रखी उसने अपनी प्रायरिटी और रखी हुआ जे कि चार पांच साल के बाद आपको पता चला कि उनके पास वही गाड़ी भी आ गई है उनके दो बच्चे भी पड़ गए हैं उन्होंने अपना घर भी पक्का कर लिया उनके आपके एक दो जगह पे पाकिस्तान में उनके प्लॉट भी बन गए हैं उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स को पचास लाख को अब दस करोड़ बीस करोड़ में कन्वर्ट कर दिया और अब वो ऊपर ही जा रहे हैं ऊपर ही जा रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे अच्छी जगह पे एटीएम मशीनें लग गई हैं जो पैसा कमाने वाली अब पाकिस्तान में बताएं जो प्राइम मिनिस्टर सीट पे आता है उसको जाते क्या प्रेजेंटेशन दी जाती है कि जी इतना कर रहा है अगले माह इतने मिलियन डॉलर की किस्त आ रही है इतने अरब डॉलर की किस्त आ रही है हमारे पास आगे सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है वो बताएं उसने क्या करना है आते उसको कहा जाता है कि एनर्जी का क्राइसिस है मुल्क में बिजली नहीं है लोग मजारे कर रहे हैं गैस की कीमत ज्यादा है गैस नहीं आती लोग गैस के लिए मजारे कर रहे हैं यानी हर चीज में प्रोटेस्ट वो भाई का तो काम है कि वो ये आकर उसको एक फोन के ऊपर मैसेज आए कि आज के दिन में पाकिस्तान ने इतने बिलियन डॉलर इकट्ठा किया है और हमारा खर्चा इतना हमारा सरप्लस है तो ये सोचे मुलका कि मैंने पाकिस्तान में कहां पे पैसा लगाऊं ताकि जो हमारे लोग हैं इनके जो पुराने मिसाइल हैं वो मैं अपलिफ्ट करूं तो वो तो इस तरफ सोचते हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसका कहा मुझे ये बताए मोटरवे बनाना है या उसका काम जे चीजें बनाना है उसका काम तो विजन देना है तो क्या हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने या कभी इन्होंने जो जिनके हाथ में एक अल्लाह ने पावर दिया है क्या उन्होंने मुल्क को कभी विजन दिया और उस विजन के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरमायाकारी को कभी दावा दी तो मेरा कहना यह है कि अगर रियल स्टेट की इंडस्ट्री में इनोवेशन लाई जाए और गवर्नमेंट इसको एज ए एक इंडस्ट्री जो है वो रिक्नाइज करे और इसका पूरे पाकिस्तान का एक मास्टर प्लान बनाए जिसमें कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो इनबिल्ट हो कि कहाँ कहाँ से रोड़े जानी है तो होगा क्या मैं आपको एक मिसाल देता हूं आपको बड़ा एक अजीब लगेगा पाकिस्तान में सबसे तेज जो एम्प्लायमेंट जनरेट हो सकती है जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है आप इंडस्ट्री एक देख लें इंडस्ट्री छोटी से छोटी भी लगाए तीन साल से लेकर आठ साल चाहिए रियल स्टेट एक ऐसा है कि ये इकोनॉमिक्स का जो पहिया है ये 48 घंटे में घूमना शुरू होगा आप सिर्फ जस्ट इतना कहें लोगों को कि आए जी सरमायाकारी करें जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटी है हम उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इनके मिसाइल चौबीस घंटे में हल करें अगर इसमें कोई कमी कुताई भी है वो भी हल करें खासकर जो अच्छे डेवलपर हैं जो अच्छी लोकेशनों के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो करें पाकिस्तान में ये नहीं कि रियल स्टेट में काम नहीं हो रहा काम बहुत हो रहा है लेकिन हो हप हज रहा है मेस क्रिएट हो रहा है अब इस्लामाबाद की मैं एक मिसाल देता हूं फैजाबाद है बाराकू है जहां से मैं अभी आया आप क्या समझते हैं कि मैं अभी बाराकू से तो क्या बाराकू कोई अच्छी जगह नहीं है बहुत अच्छी जगह लेकिन हुआ क्या आपने वहां एक गाँव डिवेल्प कर दिया उसका कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया होना तो ये चाहिए था कि जहां पर बाराकू है जिसके तो इर्द गिर्द आपकी यूनिवर्सिटी है हिली एरिया है तो यहां तो पांच गज का प्लॉट चालीस करोड़ का होना चाहिए था लेकिन वहां कोई रहने के बताएं आप में से जो अच्छे शौर वाले लोग हैं जिनके पास अल्लाह थोड़ी सी भी फेमो फरासत या सरमाया देता है, वो बाराकु में रहना पसंद करेगा उन गलियों में तो क्यों नहीं रहने का है तो वो तो क्या इस्लामाबाद का हिस्सा नहीं है वो इस्लामाबाद का हिस्सा है क्यों नहीं रहना पसंद करेगा सी डी ए ने नलेकी की उसका कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया कोई सड़क नहीं कि कोई चालीस फुट सड़क हो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेल्प नहीं किया वहां कोई रहना पसंद नहीं किया जो इस्लामाबाद की पाकिस्तान की ये मैं मिसाल देने का मकसद है कि यही बदकिस्मती है कि हमने जो अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पावर थी हम क्योंकि नलैकों के हाथ में चीज आ गई हमने उसको सबसे बड़ी अपनी कमजोरी बना दिया दुनिया क्या करती है कि अपनी जो सबसे कमजोर चीज होती है उसको भी अपनी ताकत में कन्वर्ट करती है मैं आपको मोदी की एक मिसाल देता हूं ए, अच्छी चीज सबसे करनी चाहिए मोदी ने आपको बताया कि मोदी के बारे में पाकिस्तानी भी और इंडिया के मुसलमान नफरत करते हैं क्योंकि मुसलमानों के ऊपर बड़ी ज्यादा की है हुआ यह कि जब इतनी नफरत उस आदमी के खिलाफ थी उसने अपने सरमायाकारों को अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को और उनके पीछे पीछे खुद मिनटें करता था आप उसकी गुजरात की मसाले ले लें वो खुद उनके पीछे फोन कर डेली फोन करता था कि आप आए जी मेरे गुजरात की ए, 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 स्टेट में आप कार प्लांट लगाए वो कहता था कि यार हमारी जो है मैं इधर क्यों लगाऊं प्लांट मैं तो दिल्ली में लगाऊंगा जहां पे इंडस्ट्रियल है मैं वहां पे लगाऊंगा वो कहता नहीं मेरे गुजरात में लाए वो क्यों लाना चाहता था कि एक कार प्लांट लगेगा तो मेरी स्टेट को अरबों रुपया रेवेन्यू की मद में मिलेगा और लाखों करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर जाएगा मेरी स्टेट ऊपर जाएगी वो फोन करता वो नहीं जी हमें तो इतनी जमीन चाहिए तो वो क्योंकि मैं पहले एक दफा एग्जाम्पल दे चुका हूं इसलिए मैं मोटी मोटी तो जब उसने अडानी को बुलाया अपने पास उसने आकर पूछा कि आय जी विजिट करे उसने उसको कायल कर लिया तो जब वो आया तो कितनी जमीन चाहिए उसने कहा जी इतने हजार एकड़ उसने कहा कि लाइन जी जो लेटर इनको दे जे लेटर है नहीं जी मुझे तो इनवायरमेंट का एन चाहिए उसने कहा जे पड़ा है जी मुझे फलानी इतनी एनर्जी चाहिए उसने कहा यह पड़ी है पांच मिनट में आप जो वाकया जरा सर्च करके देखना कि उसने दिया उन्होंने कारों का एक प्लांट लगाया फिर उसकी देखा देखी दूसरे लोग आए पता चला गुजरात तो गाड़ी प्रोडक्शन का हब बन गया जब वही आदमी प्राइम मिनिस्टर का भी उम्मीदवार नहीं था जब वो फेडरल में गया तो वो तो किसी प्राइम मिनिस्टर की साथ में शामिल ही था तो तमाम बिजनेसमैनों ने मीटिंग की उन्होंने कहा कि यार ये शख्स है जो बिजनेस को प्रमोट करता है और एक पैसे का खुद रवादार नहीं है यानी ये जै दुनिया को उस मॉडल पे इंडिया को ला रहा है जो दुनिया का तरक्की याफ्ता मॉडल है जिसके ऊपर तरक्की का रस्ते खुलते हैं ये खुद कुछ नहीं करना चाहता जो हमसे करवाना चाहता है यार इसकी सपोर्ट करो उन्होंने अरबों रुपया उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया उसकी इलेक्शन कंपेन के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर बना आज आप खुद देखें उनके जो बिजनेसमैन है वो कहते हैं कि हम इंडिया की एयरलाइन को 300 नए जदीद त्यारे जो है वो खरीद के देंगे हम दुनिया की बेस्ट एयरलाइन इसको बनाएंगे नंबर वन बनाएंगे मोदी क्या इंग्लैंड में अमेरिका में जाकर क्या कहता है मैं इंडिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमिक्स पावर बनकर आपको दिखाऊंगा वो ऐलान कर रहा है सारी दुनिया के सामने मुंह चढ़ा रहा है क्यों चढ़ा रहा है आज उसके नौ सौ अरब डॉलर से ज्यादा के तो रिजर्व है उसकी शाम को जो ग्रोथ है या जो इनकम है वो अरबों में वो कह सकता है भाई तो ये है जो एक तरीका है कि जो उसने बिजनेसमैनों को तरक्की दी एक रुपए का रवादार नहीं बना तो आज इंडिया कहां से कहां चला गया आप खुद तो देखें आप अब तो सर्च का दौर है आप सारे लोग सर्चर एक किस्म के बैठे हैं कि 1980 तक पाकिस्तान का रुपया कहां था हमारा जो रूपी था वो ज्यादा वेटेज था बनिस्बत इंडिया के आप सब जानते हैं हम बाहर जब जाते थे तो फख्र करते थे कि यार हमारा एक रुपया और इंडिया का सवा रुपया वो डिवेल्युएड था आज हमारा ए, हमारे साढ़े तीन रुपए उनका एक पे तो यार ये एक बहुत बड़ा मुसलमानों का मुल्क है जो अल्लाह उसके नबी पे मानने वाले हैं हम तो बड़ा तोकल करने वाले लोग हैं हम तो मायूस होने वाले लोग ही नहीं मुसलमान की पहली सिफत यह है या पहली खूबी यह है कि वो कभी भी सबसे डिप्रेस हालात में भी वो मायूस नहीं होता वो अल्लाह पे तो रखता है वो कहता है कि मेरा तोकल अल्लाह पे है मेरा काम है मेहनत करना और अल्लाह पे छोड़ना अल्लाह मुझे ये टर्न अराउंड चीजों को करेगा वो अल्लाह पे तो हम तो लोग हैं हम तो अल्लाह अकबर का नारा मार के अपनी जाने देने वाले लोग हैं तो इतने जो एनर्जेटिक और इतना जिनका पीछे से ईमान पुख्ता हो वो हम दुनिया की किसी सफ में खड़े ना हों तो ये तो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी है तो अगर हम रियल एस्टेट को तरक्की देते हमने ये समझ लिया है कि जो रियल एस्टेट है ये एक घर बनाने का नाम है वो भाई ये घर बनाने का नाम नहीं है ये मुल्क बनाने का नाम है आपने मुल्क में एयरपोर्ट बनाना है, कहां से बनाना है ये रियल एस्टेट वालों ने बनाना है अगर आपके पास ये एक्सपर्टीज मौजूद होगी आपके पास इंजीनियर मौजूद होंगे तो वो एयरपोर्ट बनाएंगे आपके पास एकसर, एक्सपर्टीज इक्विपमेंट मौजूद होगा तो वो आपके ट्रेन के ट्रैक बनाएंगे आपके पास एक्सपर्टीज होगी तो वो मोटरवे बनाएंगे आपके पास एक्सपर्टीज होगी तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे आपके पास एक्सपर्टीज और और होगा तो बड़ी बड़ी बनाएंगे अगर इन बिजनेसमैनों को काम करने दिया जाए उनको कहा जाए फर्ज करे सौ बिजनेसमैनों का ये लॉट एक कैम कर लेते हैं तो मुझे एक बंदा कहते हैं गवर्नमेंट बुला के कहती है कि जी आपको जितना पाकिस्तान में बिजनेस चाहिए कोई प्रॉब्लम है हम दूर करते हैं आप हमें सौ बिजनेसमैन है पाकिस्तान में सौ हाईटेक यूनिवर्सिटी कायम करके दें जमीन हम आपको हजार हजार दो दो हजार कनाल देते हैं और इसके ऊपर सौ सौ अरब रुपये कास्ट है आप हमें यूनिवर्सिटी बना के दें तो प्राइवेट लोग क्या कहेंगे ऐसे यूनिवर्सिटियां बनाए क्यों गवर्नमेंट ने पीसी वन बनाना है गवर्नमेंट ने टेंडरिंग करनी इसमें एक साल गुजर जाना है तो प्राइवेट लोगों ने एक साल में यूनिवर्सिटी बना देनी अगर चाइना कोविड के दौर में सात दिन में हॉस्पिटल पांच सौ बेड का बना सकता है वो ग्वांजू से बीजिंग तक एलिवेटेड जो ट्रैक है वो दो तो साल में रेल का बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते पाकिस्तान के लोग ज्यादा मेहनती हैं मसला है सरमायाकारी का एक्सपर्टीज का इक्विपमेंट का और उस डायरेक्शन का कि जिस डायरेक्शन में चलना है और उस विजन का डायरेक्शन और विजन हमेशा गवर्नमेंट देती है सरमायाकार सिर्फ पैसा लगाते हैं माहौल पैदा करना ये गवर्नमेंट का काम है ये बिजनेसमैनों का नहीं है आप टीवी लगा लें अभी लगा लें कोई चैनल लगा लें जो आपको अच्छा लगता है वो लगा के देख लें कोई एक खबर मुझे पॉजिटिव बता दें कि उस टीवी चैनल के ऊपर आती हो सारी नेगेटिव खबरें इतने उधर कत्ल हो गए इतनी चोरियां होगी इतनी डिकेटियां होगी उसने उसको मार दिया उसने उसको जेल में भाई ये क्या है हम खुद अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम बड़ा जंदो जंदोजल वाला माहौल है और इधर जंगे लगी हुई है वो भाई क्या है पाकिस्तान पच्चीस करोड़ आवाम का मुल्क है छोटे मोटे मसले मिसाइल हर मुल्क में चलते रहते हैं लेकिन वो उसको इस तरह प्रोजेक्ट नहीं करते हम छोटी बात को बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं और जो हमारे अच्छे काम है उसको हम कभी प्रोजेक्ट करते ही नहीं तो मैं बात कर रहा था कि अगर पाकिस्तान के पांच छह शहर अगर आपने तजर्बा करना करके देख लें सिर्फ दस हाई राइज बिल्डिंग आप शुरू कर दे पाकिस्तान के बड़े शहरों में इस्लामाबाद में दो कर दें लाहौर में दो कर दें कराची में तीन कर दें कोटा पिशावर में एक कर दें और बाकी अगर कोई बड़े शहर हैं उसमें भी दो तीन सिर्फ दस बारह बिल्डिंग हाई स्काई स्कीपर जिसको कहते हैं पचपन स्टोरी प्लस मैं आपको दावे से कहता हूं आपके लिए ये बड़ी एक अजीब सी बात होगी आपको सब इंजीनियर पाकिस्तान में डेढ़ लाख सैलरी पे भी नहीं मिलेगा आप करके देख लें सिर्फ आठ दस प्रोजेक्ट अगर आप शुरू करते हैं तो आपको सब इंजीनियर जबकि आज अगर आप एक सब इंजीनियर की गवर्नमेंट में ऐड दें तो चार लाख एप्लीकेशन आ जाएगी इतना बड़ा रेवुलेशन इंडस्ट्री में जो है वो आ सकता है कि अगर करे जो मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन तो इतनी हो रही है सारी जीटी रोड 1800 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई है एन फाइव की एक एक आपकी जो हाईवे एन फाइव है जिसको जीटी रोड कहते हैं इसकी 1800 किलोमीटर से ज्यादा ए, लंबाई है तेईस किलोमीटर तक है उसके ऊपर दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन डे बाय डे एंड नाइट हो रही है लेकिन वो किसी प्लान के तहत नहीं हो रही बारा को किसी प्लान के तहत नहीं हो रहा फैजाबाद किसी प्लान के तहत नहीं हो रहा पिंडी में किसी प्लान के तहत नहीं हो रहा जब आप एक मास्टर प्लाने के अलावा एक विजन के अलावा डेवलपमेंट करेंगे तो होगा क्या अब मैंने गलियां काट के खेतों में एक तो मैंने सारी वेजिटेशन वाली जमीन जाया कर दी इंक्लूड कर दी अब हुआ क्या पांच पांच मरले के प्लॉट बन गए उसके ऊपर बिजली किसने देनी है गवर्नमेंट ने जो एम एन ए का इलेक्शन लड़ेगा मेरी उसके ऊपर डिमांड होगा कि मेरी कॉलोनी को बिजली दे मेरी सड़क कच्ची है किसने बनानी है गवर्नमेंट ने भी मेरी सड़क बनाए तो मुझसे वोट ले लें स्कूल कोई नहीं है पार्क कोई नहीं है ग्राउंड कोई नहीं है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पार्क सबसे कम खेलों के ग्राउंड पाकिस्तान में है हालांकि हम इतना बड़ा मुल्क है क्यों कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्गेनाइज शेप में नहीं हो रही किसी प्लेने के तहत नहीं हो रही हो बड़ी रही है लेकिन किसी प्लेने के तहत जब एक कलोनी बनती है आपको चाहते ना चाहते उसमें पार्क भी छोड़ने पड़ते हैं आपको फुटबॉल ग्राउंड भी छोड़ने पड़ते हैं आपको क्रिकेट ग्राउंड भी बिजली के पैसे किसने देने हैं डिवेल्पर ने गैस के किसने देने हैं डिवेल्पर ने रोड के किसने पैसे देने हैं डिवेल्पर ने पार्क किसने बनाने डिवेल्पर ने बिजली किसने देनी डिवेल्पर ने हर चीज डिवेल्पर ने देनी है लेकिन ऑन आन अदर साइड किसने देनी है? हर चीज गवर्नमेंट ने देनी है स्कूल भी गवर्नमेंट ने बना के देना है पार्क भी गवर्नमेंट ने बना के देना है जमीन भी गवर्नमेंट ने देनी है रोड भी गवर्नमेंट ने बनानी है सीवर ड्रेन का सिस्टम भी गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है क्यों बढ़ती जा रही है अभी आप क्यों ये काम कर रहे हैं आप प्राइवेट सेक्टर को करें जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में आप दस बाई दस का कमरा नहीं बना सकते प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता तो पाकिस्तान में क्यों बना रहे हैं पाकिस्तान पे प्लाजे पे प्लाजे बन रहे हैं पहले एक छत डालता है दूसरे दिन जब पैसे दूसरी छत डालता है तीसरी फिर आता है या कोई हादसा होता है सारी बिल्डिंग क्लेप्स कर जाती है पंद्रह बंदे बढ़ जाते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर या वजीरेला जाता है बीस बीस लाख के सबको चेक दे देता है एक स्कूल की दीवार अगर गिरने वाली हो वो प्रिंसिपल गवर्नमेंट को लेटर लिखता है कि खदारा मुझे दो लाख रुपया दे दें मैंने इसकी रेनोवेशन करनी है जिस दीवार गिर सकती है नहीं पैसे मिलेंगे बजट फाइलें चलती जाएंगी वही दीवार गिरेगी पंद्रह बच्चे मर जाएंगे सारी मशीनरी उधर पहुंच जाएगी तजियत भी करने और कोई बीस लाख दे रहा है कोई तीस लाख दे रहा है पर बच्चा पता चला बीस करोड़ रुपया बांट दिया और फिर अल्लाह की रजा कह के तो उस हादसे को खत्म कर दिया जाता है ये है पाकिस्तान ये बड़ी सोचने की बात है, ये बड़ी दुख की बातें हैं कि हम भी उतने ही काबिल हैं जेनी तौर पे जितना अमेरिका है जितना दूसरे हैं लेकिन हमारे हालात देखें जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो हमें बड़ी यकीन जाने शर्मिंदगी होती है जब हम अपने जैसे उधर बिजनेस मैनों से डिस्कस करते हैं वो जब हमारे मुल्क के बारे में बात करते हैं तो हमें बड़ी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि यार हम इस काबल थे कि इनसे हम ऊपर जा सके और हम हुए भी हैं आप देखें उन्नीस सौ साठ पैंसठ तक आप मैं आज से पंद्रह सोलह साल पहले चाइना गया तो जो दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है मैं उसके नीचे एक प्लेट लगी हुई है कभी आप जाना हुआ तो आप देखें उसमें लिखा है कि इसकी रेनोवेशन के पैसे पाकिस्तान ने दिए है जा आप जाकर देखना बीजिंग से दो ढाई घंटे की ड्राइव पे दीवारे चीन आती है आप देखे अभी भी लोग कहते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक्स मॉडल था वो ए, अपना इसने डॉ महबूबल हक का इसने हमारे साउथ कोरिया ने लिया यू की एयरलाइन हमने खड़ी की मसला आपका क्या है कि आप बिजनेस में आगे खतारा हमारी गवर्नमेंट बिजनेस से बाहर निकले इसका काम बिजनेस करना नहीं है इसका काम कॉम को विजन देना है कॉम को आगे ले जाना है नई नई इनोवेशन के बारे में सोचना है बिजनेस करना प्राइवेट लोगों का काम उसके लिए माहौल पैदा किया जाता है बिजनेसमैनों को इनवाइट किया जाता है कि जी अगले 20 साल में हमारे लिए फूड का इश्यू बन रहा है आप फूड में इन्वेस्टमेंट करें बीस साल में हमारे लिए ये कॉटन का इशू बन रहा है तो आप इस इंडस्ट्री में करें हमारे लिए एनर्जी का इशू बन रहा है आप एनर्जी में इन्वेस्ट करें हमारे लिए घरों में चार करोड़ हमारे पास घरों की तादाद कम है आप रियल स्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है ये मैं इसको एक मदर ऑफ दी इंडस्ट्री समझता हूं वो इसलिए आप कहते हैं जी हमने आईटी का बिजनेस करना है आईटी टावर बनाना है आईटी यूनिवर्सिटी बनानी है वो भाई उसमें फिर ये स्टेट आ गई वो जो टावर बनाना है वो तो फिर ये स्टेट वालों ने बनाना है तो आपके पास एक्सपर्टीज होगी तो सौ स्टोरी बिल्डिंग आपको रातों रात बना देंगे यूनिवर्सिटी बनानी है आपके पास एक्सपर्टीज होगी तो रातों रात आपको यूनिवर्सिटी खड़ी कर देंगे तो फिर उसमें रिय स्टेट आ गई आप कहते हैं कि आपने पाकिस्तान में छे बनानी है मोटरवेज बनानी है हमने लिंक करना है जी ग्वादर को ए, इंडिया से भी करना है ग्वादर को चाइना से भी करना है और इंटर इंटरप्रोवेंशल रोड भी बनानी है अब ये देखिए जी, जी हाईवे है इसके लिए सरमायाकारी चाहिए सरमाकारी कहाँ से होगा पाकिस्तानी सरमाया लगाएगा आप बी पे बनाए प्रोजेक्ट अगर हमारे पास एक्सपर्ट ही हो ये फेर ही स्टेट है रोड बनाना मैं रोडें बनाता हूँ अपनी स्कीम में मैं क्या करता हूँ मेरा काम ही रोडें बनाना है तो क्या मैं वो रोडें नहीं बना सकता मेरी अपनी कैम कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास नो लिमिट कंपनी है तो मैं आपको रोडें रातों रात बना दूंगा तो फिर वहां पे रियल स्टेट तो फिर आ गई अगर आप कहते हैं कि एलिवेटेड हमें हाईवे चाहिए या एलिवेटेड हमें ट्रेन हमने हाई टेक ट्रेन बनानी है जो पांच किलोमीटर की स्पीड पे हो चार फिर उसमें रियल स्टेट आ गई क्योंकि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिर रियल स्टेट के साथ रिलेट करता है आप कहते हैं हॉस्पिटल बनाने हैं वो भी फिर बिल्डिंग रिय स्टेट में आ गई आप कहते हैं हमने यूनिवर्सिटियां बनानी है फिर रियल स्टेट में आ गई आप कहते हैं हमने गवर्नमेंट की स्टेबलिशमेंट के ऑफिस बनाने हैं फिर रिय स्टेट आ गई तो रिय स्टेट तो भाई हर जगह पे है रियल स्टेट नहीं खत्म हो सकती और इन लोगों को अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तानी भी एक मैं कभी कभी बात करता हूं कोई भी इंसान जब जिंदगी में तरक्की करता है वो अपनी मां अपने बाप अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए एक सबसे खूबसूरत जो गिफ्ट होता है ना जो इसको मैं समझता हूँ ये कि मैं रियल स्टेट के साथ हूँ मैंने ऐसे किया भी है आप मेरा घर देखें इस्लामाबाद में कितना खूबसूरत है मैंने अपने बीवी बच्चों को वो जे मेरा बेटा बैठा हुआ है मैंने खूबसूरत इनको क्या चीज़ दिया घर दिया है तो एक खूबसूरत घर होता है जिसमें हारमनी हो जिसमें आप जाए थके हारे हों तो आपकी तबीयत खुश हो जाए वो एक अपने बीवी बच्चों के लिए एक घर का गिफ्ट होता है आपकी बीवी सारा दिन वो सारा दिन घर में रहती है तो उसके लिए एक अच्छा घर होना चाहिए आपके बच्चे हैं आप तो आप देखें आपके जितने प्यारे हैं जिस जिंदगी का सबसे ज्यादा वक़्त कहाँ पे गुजारते हैं चाहे वो सोते हैं चाहे जागते हैं आप कभी कैलकुलेट कर ले 24 घंटे में 18 घंटे आपके घर में गुजरते हैं सब बच्चों के एवरेज में बात कर रहा हूं तो वो सबसे बुरी जगह है आपकी इर्द गिर्द से बदबू आ रही है ना कोई लैंडस्केपिंग है ना उसका माहौल है ना वो हार्मनी वाले घर हैं ना उसमें वेंटिलेशन है ना कोई ऑक्सीजन है तो क्योंकि वो घर किसी डिजाइन के मुताबिक बना नहीं तो जो एक खूबसूरत गिफ्ट होता है अपने बीवी बच्चों के लिए अपने प्यारों के लिए वो एक घर की शेप में होता है उसकी बीवी ने सारी जिंदगी उस घर में गुजार दी उसके लिए बेस्ट गिफ्ट जो है पहला गिफ्ट जो है वो घर है फिर आप उसको बाकी चीजें आप जितना अल्लाह ने आपको वसाइल दिए आप लेकर दें कोई इशू नहीं है हमारा तो इस्लाम कहता है जी है कि सारी स्पेंडिंग मरने से पहले पहले आपने अपने बी बच्चों पर लगानी खाली हाथ आपने जाना इस दुनिया से तो ये है मेरा कहने का आदि मकसद ये था कि अगर हम स्टेट के ऊपर फोकस करते हैं स्टेट को एक ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं तो ये पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है जो मैंने बारह बिल्डिंगों का एक आपको हवाला दिया है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं करेगा वो आपकी साठ इंडस्ट्री को चलाएगा मैं अभी चाइना में गया तो हम जो बिल्डिंग बना रहे उसका हमने कोई एड सोर्स मटीरियल देखना था बताएं पाकिस्तान में कितनी फैक्ट्रियां हैं मार्बल की कितनी फैक्ट्रियां हैं? सरामिक टाइल की कितनी फैक्ट्रियां हैं सैनिटरी की कितनी फैक्ट्रियां क्योंकि रियल स्टेट एज ए इंडस्ट्री तरक्की नहीं की हमारे पास फैक्ट्रियां नहीं है यार अगर पाकिस्तान में जोने करके फर्द करो हम कहते हैं स्वात है वो, वो तरक्की कर जाएंगे उनको किसी पैसे की गवर्नमेंट से जरूरत नहीं पड़ेगी इतना पैसा वो कमाएंगे उसकी इनकम से और उसके टैक्सों से जहां सेनेटरी बन सकती है वहां सेनेटरी के लगाएं तो जोने करके अगर मुल्क में कारखाने लगाए 25 करोड़ आवाम है चार पांच करोड़ घरों की कमी है पाकिस्तान में अगर जाएंगे तो साठ से सत्तर इंडस्ट्री पाकिस्तान में चलेगी और एक एक इंडस्ट्री में करोड़ों लोग काम करते हैं अगर आपकी इंडस्ट्री बूम करेगी तो इतनी बड़ी ये रियल स्टेट की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में और कोई बिजनेस नहीं है आप फर्द करें कॉटन बनाते हैं तो वो तो उसकी एक है जबकि पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं है रियल एस्टेट इंडस्ट्री इसने ब्रिक्स की लैदा लेनी सीमेंट के प्लांट लैदा है आप इस कमरे को देख लें कि क्या क्या इस कमरे में लगा हुआ है सर इस कैमरे इसमें फर्नीचर भी है इसमें लैपटॉप भी है इसमें इक्विपमेंट भी है सर एक कमरे को बनाने के लिए इसमें जितनी चीजें लगी हैं और ये सब मुख्तलिफ इंडस्ट्री से बनी है तो सारी इंडस्ट्री बूम करेगी जब इस तरह का मैं एक लाख कमरा बनाऊं, तो बताएं पाकिस्तान में कौन सी इंडस्ट्री है जो चौबीस घंटे काम नहीं करेगी और ये बताएं जितना टर्न ओवर होगा हम हर चीज के ऊपर टैक्स देते हैं अठारह परसेंट बीस परसेंट तो गवर्नमेंट का है हर डेवेलपमेंट के बिल के ऊपर आठ परसेंट टैक्स है तो अगर इसका टर्न ओवर अरबों डॉलर में चला जाएगा तो टैक्स का तनासा भी अरबों डॉलर में चला जाएगा नहीं नहीं कि टैक्स देंगे अब जो स्टील मिल वाले वो लहदा टैक्स देते हैं सरामिक वाले लहदा देते हैं ए, मार्बल वाले लहदा देते हैं सैनिटरी वाले लैदा आप कोई भी ले लें ले, ले ले, ए सी ले लें एलसीडी ले लें जो भी आप लेते हैं उसके ऊपर टैक्स है तो ये सिर्फ ये नहीं है कि एक जो एस्टेट वाले हैं वो पैसा कमाते हैं अगर वो पैसा भी कमाएंगे तो वो भी पाकिस्तान के बिजनेसमैन है वो पैसा आप कहीं भी लगवा सकते हैं इसमें साठ सत्तर इंडस्ट्री चलेगी करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा सबसे बढ़कर एक स्किल्ड लेबर आपके पास तैयार जिसके ऊपर पाकिस्तान का कभी जेन नहीं गया आज के दिन में मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता हूं हमारे लिए जो बड़ी शर्मिंदगी की बात है सर दुनिया के तीन मुल्कों की मैं मिसाल देता हूं आपके पास पांच लाख भी अगर बंदे हैं और वो उस म्याद के ऊपर उतरते हैं तो आज पाकिस्तान में पांच लाख एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है जो बाहर सिर्फ तीन मुल्कों में जापान यूए और सऊदीया पांच लाख स्किल्ड बंदों की आज जरूरत है आप करके देख लें पूछ लें लेकिन क्या जो उनकी एसओपी उसके ऊपर आपके बंदे वो पूरे उतरते हैं आपके पास पांच लाख बंदा है नहीं है शायद पांच हजार भी ना हो तो क्योंकि आपने कभी वो ट्रेनिंग ही नहीं की आपके पास इंस्टीट्यूशन ही नहीं है आपका बंदा काम कर रहा है वो मोबाइल पे खेल रहा है उसको समझ ही नहीं है कि मैंने ये काम कैसे करना है वो कहां से हुई कि पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइज काम हो तो वहां से कोई सीखे कोई खाने वाले हों को सीखने वाले हों तो हम आगे जाए हम तो चाहते हैं कि सुबह उठे तो रात को हमने बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी शामिल हुए हूँ और बातों बातों में हम सारा कुछ करना चाहते हैं तो अगर पाकिस्तान में आप कोई भी स्किल्ड लेबर पैदा करते हैं और वो एक दुनिया की जो स्टैंडर्ड है या जो एसओ उसके मुताबिक करते हैं तो बहुत ज्यादा स्कोप है मैं अभी चाइना से यू ए होके आया तो मेरी वहां कंस्ट्रक्शन कंपनियों से मुलाकात हुई तो उनके हेडों से तो वो कह रहे थे कि हमारे पास बहुत लेबर की कमी लेकिन हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं दूसरे मुल्कों को वो कहते हैं जो काम ही नहीं करते इनको काम करना ही नहीं आता बड़े शौक से आ जाते इधर आकर दसवें दिन भाग जाते तो ये है हमारा ए, एक फेलियर दुनिया में भी और अपने पाकिस्तान में भी आप पाकिस्तान में क्या हमारे पास आज के दिन में कोई एक्सपर्टीज है कि आप हाँ पचास सौ स्टोरी बिल्डिंग बना सके आपको रेलवे के ट्रैक में आप मोटरवे देखें जो मोटरवे हमने बनाई है वो पंद्रह दिन के बाद खराब हो जाती है जो कोरिया बना के गया है जहां जहां उनके पैच है आज भी उसी तरह है उनके ब्रिज भी उसी तरह कैम है अब जापान से कोई चीज एल लाते हैं उसी तरह है उनकी गाड़ी लाते हैं उसी तरह है। हमारी जो चीजें हैं वो किधर जाती है तो अब मुसलमान तो हम हैं ईमानदारी का सबक तो हमने सीखा हुआ है ऑनेस्टी का सबक तो हमने सीखा हुआ है लेकिन कमी क्या है हमने उस पर अमल नहीं किया हुआ तो अल्लाह पाक मेरी दुआ होगी कि इस पाकिस्तान को दिन दोगुनी रात दोगुनी तरक्की दे इसमें रियल स्टेट का भी बिजनेस फर्निश करे और जो दूसरी इंडस्ट्री है वो भी तरक्की करे पाकिस्तान भी दुनिया की तरक्की याफ्ता साफ में शामिल हो हमारे भी जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो अप हो अगर किसी का सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ थैंक यू सो मच सर आपने जो बातें की वो बिल्कुल हमारे दिल के बहुत करीब हैं क्योंकि पाइड में भी हम भी यही बातें करते हैं सबसे पहली तो बात यह कि हमने पाइड में ये देखा है जो हमारा तरक्की का शहरों की तरक्की का जो मॉडल है ये सस्टेनेबल नहीं है ये हमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली कास्ट करेगा जिसको हम अर्बन स्प्राल कहते हैं हम शहर जो है वो इस तरह फैला रहे हैं बजाय इसके कि हम उनको हाई राइज की तरफ जाएं जो बात आपने भी की और पाइड पिछले तीस साल से इस पे बात कर रहा है कि हमें हाई राइज पे जाने की जरूरत है अच्छा हमने जो यहाँ पे अपनी तहकीक हमें ये पता चला कि ये सी है जो उसके जोनिंग रूल्स हैं जो आपको हाई राइज परमिशन नहीं दे रहे हैं जैसे हम हम ये जरूर देखना चाहेंगे कि आपने जो आ, पार्क के सामने अपना हाईएस्ट जो आपने कहा कि बिड करके आपने प्लाट लिया है उसमें पचपन स्टोरी आप एक हाई राइज बनाए पाकिस्तान में पहली स्काई स्क्रेपर एक जरूर बनाएं लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा हर्डल्स आएंगे सी डी ए की तरफ से तो सर का जो पहला कमेंट था वो ये था कि आप हमें ये बताएं क्या रियल इस्टेट मार्केट जो है ये इसमें रेगुलेशंस जो हैं क्या वो नहीं है या बहुत ज्यादा है क्या वजह है कि ये इंडस्ट्री जो है जो आप कह रहे हैं कि इसको इंडस्ट्री होना चाहिए। अगर आप देखेंटेट को प्रमोट करने के लिए रेगुलेशन ज्यादा पहले तो ये बात है उनकी इस पर कुछ आप कह अच्छा जी मेरी इसमें दो समीशन है एक तो यह है कि सिर्फ सीडीए तो पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करता सीडीए तो आई सी है छोटा साइज का एरिया मैं एक अपने दहात की आप लोग भी कहीं ना कहीं जाते होंगे एक मिसाल देता हूं फर्द करे मेरे दहात में एक सड़क का फंड आ जाता है या एक नाली का फंड आ जाता है कि जी ये एक नाली बना दे या एक सड़क बना दे होता क्या है ठेकेदार आते हैं रातों रात ट्रक लेकर आते हैं तीन फुट सड़कों में काजे जे सड़क नीची हो गई है उसके ऊपर मिट्टी डाली ऊपर कंक्रीट डाली और सड़क बना के गए आप कभी गौर करना वो जो सड़क बनाएंगे उसमें साठ फीसद घर जो है सड़क से नीचे चले जाएंगे अब जो नए बनाने वाले हैं वो इतने ऊंचे घर बनाएंगे कि अपने घरों में नहीं दाखिल हो सकते जब इतने ऊंचे घर बनाएंगे तो उतनी डीपीसी डालने के लिए या उतनी हाइट उसकी लेने के लिए या उसको कंपैक्ट करने के लिए वो सारी जिंदगी उनके नीचे जो फर्श हैं या फ्लोर हैं वो फटते रहेंगे होगा क्या कि उनकी कास्ट पीस परसेंट बढ़ जाएगी जिनके घर नीचे चले गए वो तबाह बर्बाद हो गए उनको दोबारा घर बनाने पड़ेंगे तो गांव में आपने देखे कभी तरक्की नहीं हो ऐसे ही होता रहता है सड़कें ऊपी सड़कें नीची घर ऊपर घर नीचे नालियां नीची एक नाली ऊंची बना दी अगली नालियों में दो दो फुट पानी खड़ा हो गया क्यों ये किसी विजन के तहत नहीं बनते अगर उसका एक दफा सर्वे होके कोडिनेट लगे हूं कि इस गांव में आज आबादी कितनी है दस साल के बाद कितनी है हमने इसका जो सीवर है वो कहां पर है, है बारिश अगर होगी तो उसके जो पॉइंट है 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 आउटलेट है, वो कहां पे है? और उसके लेवल फिक्स करके ल, लोगों को दें कि आपने रोड का लेवल ये होगा और इसके मुताबिक आपने घर बनाने हैं तो हजार साल भी घर ना कभी ऊंचा होगा ना नीचा होगा एक जैसे घर बनेंगे एक जैसे एलिवेशन बनेंगे खूबसूरती होगी पाकिस्तान में जो जितनी आप बात कर रहे हैं सी की या कोई भी होता ये है कि मैंने जो की आपसे बात की है कि गवर्नमेंट बिजनेस से बाहर निकले गवर्नमेंट का काम नहीं है ये काम करना जो डेवलपमेंट के काम गवर्नमेंट है वहां से सारी करप्शन है वहां से वो रूल क्योंकि अब उनको पैसा लग गया है वो जो काम करते हैं वहां से पैसा कमाते हैं मैं करने जाऊंगा वो कहेंगे अच्छा ये जो चौर तो इतने पैसे कमाएगा हम क्यों इसकी अप्रूवल दें वो उसको इस वजह से नहीं देखते कि मैंने अप्रूवल देनी है मुल्क है, मुल्क तरक्की करेगा वो कहे जाए पहाड़ में मुझे क्या मिल रहा है वो नहीं नहीं मिल रहा है है बाहर की दुनिया में ऐसे नहीं है, काउंटर है। मेरा एक ही चीज है मैंने वहां पे अपनी फाइल जमा कराई है दस मिनट वो कहते हैं वेट करें दस मिनट के बाद ठप्पे लगने और मुझे मिल जाना कि लो जी जी आपकी अप्रूवल आ क्योंकि उनका पर्सनल कोई नहीं उनको पता ही नहीं है करप्शन क्या होती है उनका मॉडल ही करप्शन वाला नहीं है आपकी हर चीज करप्शन के ऊपर टेंडर के ऊपर बात करती है बारगेने के ऊपर करती है पैसे के ऊपर करती है तो सीडीए के रूल रेगुलेशन सारी जगह पे है मैं सीडीए को कहता हूं जी मुझे पचपन स्टोरी बिल्डिंग बनाने दें जैसे मैंने कहा चाइना के गांव में भी साठ साठ स्टोरी है ये नहीं बनाने देंगे वो कहेंगे नहीं 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 ये नहीं होगा इसमें जहाज टकरा जाएगा ऐसी ऐसी मंतक देंगे जिसमें जहाज टकरा जाएगा फिर हमारे पास कभी आग लगी तो ऊपर कौन बजाएगा हमारे पास तो वो एक्सपर्टीज नहीं है फिर कहेंगे ये पानी कैसे पिचाएंगे ये कहेंगे आप देखें एक दफा शायद याद हो आपको शहीद मिलत सेकट्रिएट में एक दफा आग लगी थी तो उस वक़्त जो डीसी सी सलाम था वो मेरा दोस्त था वो उसने खुद अपना वाकया मुझे सुनाया कि जब आग लगी तो पहले ए सी गया फिर ए डी सी गया और फिर मैं गया फिर कमिश्नर और फिर हाई ऑफिशल जो है वो चले गए तो जब हम गए तो कहता मैंने देखा कि सी डी ए वाले पानी फेंक रहे थे उनका पानी जो था आठ नौ स्टोरी पे जा रहा था और आग लगी थी अठारवे फ्लोर पे ऊपर वाले फ्लोर आग ने जला दिए नीचे वाले फ्लोर इन्होंने पानी डाल डाल के वो सारा रिकॉर्ड ये है पाकिस्तान और जब कोई वक्त आता है इनकी कभी कोई मशीनरी नहीं चली ना आग बजाने वाली चली है ना कुछ चली है तो जब जिनकी सी की मशीनरी नहीं जब चलती तो वो हमें क्यों पचपन स्टोरी की इजाजत देंगे क्यों वहां पे माजरत के साथ अफसर नहीं बैठे हुए एक बात अगर आप कहे मैं और भी कर देता हूं आप कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं करता गवर्नमेंट का मॉडल तोड़ दे ऐसे तरक्की पाकिस्तान करेगा मॉडल गया है असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद डिप्टी डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर डायरेक्टर के बाद डिप्टी डायरेक्टर जनरल फिर डायरेक्टर जनरल फिर उसके मुताब वाइस चेयरमैन फिर उसके ऊपर चेयरमैन वो एसओ एसओ के ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के बाद ज्वाइंट से ज्वाइंट के बाद सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद एडिशनल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी के बाद सेक्रेटरी वो नोट किसका रहा है एसओ का तो आपने क्यों इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है आप सिर्फ एक एसओ लाएं और एक सेक्रेटरी लगाए अगर बीच में कोई हरारती पैदा करनी करे तो ये जो छह लेयर हैं ये जिस लिए रखी है उसमें चार लेयर खत्म कर दे पाकिस्तान के सारे फैसले होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि बीच में सब हर फाइल को अपना इंटरेस्ट समझते वो कहते हैं पता नहीं इससे चौरी मजीद क्या कमा लेगा पता नहीं इससे मैंने आपको पता पाकिस्तान से क्यों सरमाक बात थे वो कहते हैं जी हमने इधर लगानी है इसकी फैक्ट्री लगानी है जो हमारी मेडिसन की फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री लगानी है वो आएंगे जे आगे उनके एक उनको पेज देंगे जिसके ऊपर दो सौ होंगे वो महकमों में थक जाएंगे होना तो ये चाहिए कि वो फार्मास्यूटिकल जो मिनिस्ट्री है उसमें वो अप्लाई करें और वो वही सारी रिक्वायरमेंट पूरी रहे वही महकमों से घंटे के अंदर एनओसी लेके उसको कहें अगले माह की पंद्रह तारीख को आ जाए सारे एनओसी ले जाए और बिसमिला करें काम शुरू करें हमारा जो हेड है मिनिस्टर साहब है वो आपका अफ्त करेंगे और उस दिन बिजली भी मौजूद होगी गैस भी मौजूद देखे जे पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है ये होता ही नहीं है क्योंकि वहां जो गवर्नमेंट सर्वेंट बैठे वो छोटे छोटे दिन हो गए मालिक उनको क्या पता सरमाकारी क्या है बिजनेसमैन क्या है पाकिस्तान को तरक्की क्या देते और मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ सबसे बजाय मैं कहूं कि सी डी ए के ऑफिशियल बड़े न लायक हैं मैं कहता हूं ये बड़े लायक है उन्नीस सौ साठ से सी डी ए बना हुआ है उन्नीस सौ साठ का ऑर्डिनेंस है तो आज देख लें इस्लामाबाद को बने के इनसे सिर्फ एक सवाल कर लें कि भाई दुबई तो कल बना है सिंगापुर तो कल बना है चाइना तो कल बना है चाइना ने तो सारी तरक्की पिछले दस बारह साल में की है बांग्लादेश ने सारी तरक्की दस बारह साल में की है इंडिया ने सारी तरक्की पिछले पंद्रह साल में की है दुबई ने सारी तरक्की पिछले बीस साल में की है जितने मर्जी दुनिया में ले लें अमेरिका को छोड़ दें इंग्लैंड को छोड़ दें बाकी आप देख लें मुल्क इनको बताओ कि आप पिछले बीस साल में बताओ कि कितने इस्लामाबाद में माल बने हैं कितनी यूनिवर्सिटियां बनी हैं कितने हॉस्पिटल बने हैं कितने स्कूल बने हैं कितने कॉलेज बने हैं कितनी हाई राइज बिल्डिंग बनी है कितने अच्छे अपार्टमेंट की बिल्डिंग बनी कोई एक बनी है तो बता दे तो जब एक भी नहीं बनी इससे अंदाजा लगा ले। लेकिन मैं आपके फोरम से कहता हूं कि अगर ए अच्छा एफ करके मुझे साठ सत्तर स्टोरी की इजाजत दे तो इन शाह तीन साल की रिकॉर्ड मुद्दत में आपको ऐसे ही पता चलेगा जैसे पाकिस्तान में भी कोई चाइनीज कंपनी करेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसी बिल्डिंग बनेगी कि जो पाकिस्तान की इकोनमी में भी और पाकिस्तान के इमेज में आप देखें जो मैं रियल स्टेट की बात कर रहा हूं आप कहते हैं जी टूरिज्म छोटे छोटे मुल्क टूरिज्म पे चाह रहे हैं दुबई में बताएं क्या चीज़ दुबई में तो गर्मी है फिफ्टी फोर डिग्री टेम्परेचर है और क्या उन्होंने अच्छे माल बना दिए हैं और अच्छी रोडें बना दी है और अच्छी चीजें इन्वायरमेंट आपको पैदा कर दी है सिक्योरिटी दे दिया तो लोग उधर भागते जाते हैं दुबई का तो मौसम को अच्छा मौसम नहीं है सिंगापुर का तो फिर भी मौसम है तो आप बताएं पाकिस्तान में कौन आएगा ना पाकिस्तान में अभी तक कोई अच्छा फाइव स्टार होटल है ना पाकिस्तान में कोई अच्छी रोडें हैं ना पाकिस्तान में अच्छी लैंडस्केपिंग है ना अच्छे है, पार्क हैं ना अच्छी बिल्डिंगें अगर आज इस्लामाबाद में 10 20 फाइव स्टार होटल बन जाएं खेलों के ग्राउंड अच्छे बन जाएं पार्क अच्छे बन जाएं अच्छी बिल्डिंगें बनें अच्छे सेक्टर डेवलप हों तो देखे कैसे आते हैं देखे टूरिज्म कैसे बढ़ता है टूरिज्म वाले तो कुछ देखने आएंगे तो क्या देखने आए लेकिन यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है परमिशन लेनी पड़ती है हमने एक रेगुलेशन जो है कास्ट ऑफ रेगुलेशन पे हमने स्लज सीरीज लॉन्च की जिसमें हमने देखा है कि कास्ट ऑफ रेगुलेशन जो है ना बहुत हाई है पाकिस्तान में लेकिन सवाल एक ये भी पैदा होता है कि डेवलपर्स की कमिटमेंट पे भी तो क्वेश्चन आता है हम रियल इस्टेट में आए दिन सुनते हैं कि जी फलाना जो है वो फ्रॉड हो गया ये फ्रॉड हो गया डेवलपमेंट जो है जो डेवलपर्स हैं वो अपनी कमिटमेंट जो है वो उस तरह से डिलीवर नहीं करते हैं तो अगर सरकार की तरफ से गलती है तो दूसरी तरफ से भी तो गलती है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी जब हम सरकार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये डेवलपर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें परमिशन देनी पड़ती हैं तो इसके बारे में जरा बताइए कि डेवलपर्स अपनी कमिटमेंट क्यों नहीं देते हैं ये बात तो खैर ये मैं नहीं कहता कि जो हमारी इंडस्ट्री है जो बड़ी नेक पाक है सारे काम मैंने तो अपनी भी उसी तरह बातें की है कि अब इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद की सराउंडिंग में तो अभी कलोनिया जो है वो आबाद हो नहीं रही और फतेहजंग के आगे सौ सौ किलोमीटर आगे कलोनी लॉन्च होती है और हमारे दोस्त उसकी बुकिंग करना शुरू कर देते हैं लेकिन मैं इसको किसी और तरीके से लेता हूं ये देखें ये नहीं हो सकता कि एक मोटरसाइकिल वाला इशारा रेड क्रॉस करता है तो हम ये कहें कि जी जी इसकी गलती है कौमें इस तरह तरक्की नहीं करती जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है उसने अपने रूल को इन्फोर्स करना होता है गवर्नमेंट का यही काम है और तो गवर्नमेंट का काम ही कोई नहीं होता क्योंकि अगर वो नहीं एनफोर्स करेगी तो इशारा तोड़ने वाले सौ की बजाय दो सौ हो जाएंगे क्या पाकिस्तान में कभी हुआ कि किसी ने उस एरिया में हाउसिंग सोसाइटी बनाई जहां पे नहीं बननी चाहिए थी और गवर्नमेंट ने वो एरिया सील किया हो जो मैंने कहा कि मास्टर प्लानिंग और जोनिंग होनी चाहिए और हो, की हो कि ये तो एरिया हाउसिंग के लिए है ही नहीं तो ये देखें जब वो बुकिंग करते हैं जब वो वहां पर डेवेलपमेंट करते हैं तो कभी गवर्नमेंट ने जाकर रोका गवर्नमेंट के जो रूल है वो बनाते इस तरीके से हैं कि जो मकड़ी है इसको किस तरह पसाना है वो बाहर ना निकले उसके रूल इसलिए नहीं है हमने अपने बिजनेसमैन को तरक्की देनी है ये देखे ना चलो मेरा तो रियल स्टेट का बिजनेस चले या ना चले मुझे इंडस्ट्री क्या पाकिस्तान में बाकी इंडस्ट्री उसी तरह चाह रही है जिस तरह दुनिया में चाह रही है आप अपनी जरात देख लें हमारा साठ परसेंट जो किसान है वो जरात के साथ वा क्या हमारी किसान की वो जो जरात की इंडस्ट्री है वो सही चाह रही है क्या कोल्ड स्टोरेज है क्या उनको खाद मेरी है क्या हमारे पास इक्विपमेंट वो है जैसे हम एकड़ की जो झील्ड है वो जहां दुनिया जितनी ले रही है उसके बराबर या उसके करीब ले सके तो हमारा बेसिकली जो पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है या पूरा एक गवर्नेंस का सिस्टम है वो क्लैप्स किया हुआ है और उसमें जब सिस्टम क्लैप्स करेगा जब इशारे पे मुझे कोई नहीं रोकेगा तो बस फिर मैं अपनी मर्जी करूंगा तो मुझे जो ये जो इसने अपना रूल तोड़ने की ए, ए, हिम्मत या जरूरत दी है ये गवर्नमेंट ने दी है तो मैं उसमें अपने आप को तो कसूरवार कहता हूं ये नहीं कि गवर्नमेंट कुछ करे ना करे तो मैं गलत काम करूं बहरहाल हमें सबसे पहले वो कहते हैं ना कि इंसान के वो कहते हैं कि मुल्क कब बदलेगा वो कहते हैं कि तब बदलेगा जब हम खुद बदलेंगे तो, तो अगर मैं खुद भी अपने आप को अच्छा करना चाहता हूं तो सबसे पहले तो मुझे खुद अच्छा होना पड़ेगा अच्छा जो हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट कि अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में आप ऐड कर दें हम फिचोई साहब से पूछेंगे जो हमारे इधर सेमिनार में मौजूद हैं जी फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन जी वैसे मैं बात करना चाहता हूँ कि आम लोगों के लिए जैसे कि अभी आजकल ब्लू वर्ल्ड की काफी खबर चल रही है अच्छे बुरे

जो एक नॉर्म्स होते हैं एक कि किसी चीज के पूरा करने के क्या इसने वो किया जैसे मैंने एफ टी टू अनाउंस किया तो मैं कुछ दोस्तों को वहां पे साइड पे लेकर गया मैंने उनको कहा इसमें साद खान भी बैठा हुआ है सरदार ताहर भी बैठे हुए इस फंक्शन में ये दोनों उस मीटिंग में शामिल थे जहां मैं इनको जब लेकर गया मैंने इनको बताया कि यार आप मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन दे कि जे मैंने हजारों कनाल जमीन सेल से पहले खरीदी है तो आप बताएं कि ये लोकेशन फिट है फार हाउसिंग और मैं इस पर अनाउंस करूं या ना करूं पहले मैंने इनको पूछा जब इन्होंने यक, मैंने कहा अगर आप कहते हैं कि अभी कोई शॉर्ट कमिंग है तो मैं इसको दो चार छह माह और लेट कर देता हूं तो पहले मैं जमीन और कब्जे की बाइंग उस तरह करता हूं जिस तरह आप चाहते हैं तो इन्होंने सौ फीसद अपनी पहले तसली की करके तो फिर इन्होंने मार्केट में लोगों को कहा जी हमने जगह देखी है ये बिल्कुल एक गोल्ड माइन है इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें हमारे दोनों तरफ से इशू है कि जो बिल्डर हैं वो चाहते हैं कि रातों रात पैसा इकट्ठा करें अब पाकिस्तान में यही मैंने कहा कि ये नहीं कि रियल में एक कोई काम नहीं हो रहा काम बहुत हो रहा है साठ फीसद साठ फीसद जितने पीछे प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं साठ फीसद फ्रॉड है दो तरह के फ्रॉड है जमीन दो सौ कनाल नहीं है फाइलें दो लाख बेच दी है एक ये बड़ा फ्रॉड है दूसरा ये है कि अगर उन्होंने जमीन खरीदी भी है उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं थी जगह उनकी अच्छी जगह पे है लेकिन वो प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर सकते कल मैं किसी का नाम नहीं ले मैं और सरदार साहब ने एक प्रोजेक्ट विजिट किया मेरे हिसाब से वो काफी जगह बेहतर है वहां पे हाउसिंग हो सकती है ए ग्रेड की नहीं तो बी ग्रेड की हो सकती है सी कम अज कम सी जोन में नहीं है कि जिसमें कोई दो साल आबादी ना हो दो चार साल के बाद वहां आबादी अच्छी हो सकती है लेकिन उनके ऊपर वो उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है वो हैंडल ही नहीं कर सकते हाउसिंग प्रोजेक्ट को ये दूसरी कमी है तीसरी कमी है कि उनके प्रोजेक्ट ही इतने फार अवे दूर है कि उसमें हाउसिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है तो ये दोनों तरफ से पाकिस्तान में हो रहा है कि जो डेवलपर हैं वो भी दाल लगाने के चक्रों में है और जो हमारे गवर्नमेंट वाले हैं वो भी फिर पैसे लेके आंखें बंद करते ये नहीं हो सकता पाकिस्तान में ये आप भूल जाए कि मैं दूर करूं इस्लामाबाद में करूं मुझे कोई देख नहीं रहा देख रहा है लेकिन वो बस अपने पैसों के लालच में आंखें बंद कर देते हैं शो का नोटिस इशू कर देंगे आपने फिर पैसे दे दिए फिर चुप हो जाएंगे तो जो टाइम पे जो है ना एक एक्शन वो गवर्नमेंट नहीं करती और बिल्डर को देख के उसके लिए जे नहीं करती करो तो एक एप्लीकेशन क्यों बंदा बगैर अप्रूवल के जाता है उनको पता है मैं थर्टी के पास गया इन्होंने मुझे बसा लेना अप्रूल बनाए मेरे पास मेरे दायरे में क्यों नहीं लोग पैसा देने की तरफ आते उनको पता है इधर फ्री में घंटे में काम हो रहा हम जाते है, हमें जाते हैं हमें पानी भी पूछा जाता है चाय भी पूछी जाती है पांच मिनट में इन्होंने काम करके फाइल हमारे हवाले कर देनी है तो वहां पैसे का कंसेप्ट ही नहीं है वहां जो काम वाले लड़के है वो भी उसी जेन के आदि हो गए जिस तरह बाहर की दुनिया में यहां जो है कि मैंने फाइल लेकर जानी है तो जब तक मैं अब उनके लवाजमा पूरे नहीं करूंगा मेरा काम आगे नहीं होगा तो पाकिस्तान में इस तरह कोई नहीं करता कि हर काम को जो समझे कि एक पैशन के तहत काम नहीं पाकिस्तान में किया जाता पाकिस्तान में या काम रोटी रोजी के लिए किया जाता है या मजबूरी के लिए मैं अक्सर एक, एक बात करता हूं आप घर में एक कुक भी रखें एक मुलाजम छोटा सा रखें सफाई वाला रखें पहले आकर वो आपको एक अजीब बात करेगा वो कहेगा मेरा जो चाचा है ना वो गांव का नंबरदार है फलाना जो है उसकी इतनी जमीन है मैं बस मेरा जो बड़ा भाई है वो पुलिस में डीएसपी है मैं एक बड़ा नहीं गलती मेरी थी थोड़ी सी तो मैं एक मजबूरी के तहत आपके पास नौकरी करने के लिए बताएं उसकी इस बात का हमारे साथ क्या तलो उसने पहले दिन आपको मैसेज दे दिया कि अगर आप मुझे घर में सफाई वाला समझ के रख रहे हैं तो ये आप जेन से निकाल दें हमने और आपने मिल के सफाई करनी है तो ये उसके जेन में पहले दिन कंसेप्ट हम ये नहीं कहते कि यार मैं इधर एक घंटे के लिए या आठ घंटे के लिए मुलाजमत कर रहा हूं मैंने अपना काम मैं पीछे क्या हूं क्या नहीं हूं मैंने अपना काम सौ फीसदी के साथ करना है और सौ फीसद देना है अपना काम ये हमार, हमारे अंदर कमी है थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आपका चोहिर साहब एक और बहुत बड़ा मसला है आ, वो है इन्फोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स और क्लैरिटी इन प्रॉपर्टी राइट्स के वो मल्किती कूद के जो है आप हमारे अक्सर मुकदमे आप देखें जो कोर्ट्स में पड़े होते हैं वो भी इसी से रिलेटेड होते हैं अच्छा जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती वो तो एक अलग बात है लेकिन जहाँ पे क्लैरिटी होती है प्रॉपर्टी राइट्स की रेवेन्यू डिविजन में मलकियती हकूक बड़े क्लियर वहाँ पे भी जो है लोग जाके स्टे ले लेते हैं तो ये कितना बड़ा मसला है ये मलकियती हकूक के ना इन्फोर्स ना होने का और ये अदालतों का अदालतों में ये फंसे रहते हैं मुकदमे ये कितना बड़ा इशू जी जी आपने तो बड़ी आम की है पाकिस्तान में अगर आप समझते हैं कोर्टें खाली हो जाए लड़ाई झगड़ा कभी भी ना हो पुलिस के थाने बंद हो जाए तो जो आपने बात कही है इसमें अगर पाकिस्तान रिफॉर्म कर दे यही मैं कहता हूं कि हुकूमतों का, का काम डेवलपमेंट करना नहीं है का काम विजन देना कौम की रहनमाई कौम की समत बयान करना है आज दिन तक पाकिस्तान बने को छिहत्तर साल हो गए किसी ने लैंड रिफॉर्म की बात नहीं की हम जमीनों के टाइटल को सीधा करें सारे झगड़े टाइटल से हैं मुश्तरका ओनरशिप है नहीं। तो का दौर है। हर को डिवाइड कर दे उसको नंबर दे दे जिंदगी में को तनाजा आज देखे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कत्ल किसके ऊपर होते हैं लैंड के ऊपर कब्जों के ऊपर सबसे ज्यादा कोर्टें जो बड़ी पड़ी हैं वो सिविल केसों से बड़ी पड़ी है कोर्ट के तो ये तो बेसिकली इसमें हम तो गवर्नमेंट को बता सकते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हम जहां तक अपनी सोसाइटियों की हद हाँ तक है या अपना काम है वो तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम रिफाइन करें चीजों को लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसकी दुरुस्तगी करना तो पाकिस्तान में हर बंदा अपना काम छोड़ के दूसरे का काम कर रहा है आप जितने भी जो डी सी हैं ए डी सी आर है ए सी हैं तहसीलदार हैं महकमा माल है लैंड रिकॉर्ड वाले हैं वो देखे अपना काम नहीं कर रहे वो दूसरा काम कर रहे वो जाकर कुछ सब्जियों के रेट ठीक करवा रहा है ए कोई प्राइस कंट्रोल लिस्ट चेक कर रहा है कोई कुछ कर रहा है तो ये पाकिस्तान में हो रहा है अपना काम हम नहीं कर रहे तो बेसिकली अगर ये काम रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर पाकिस्तान में दुरुस्त हो जाए नब्बे फीसद फ्रॉड पाकिस्तान में देखे ग्वादर में लोग दस दस दफा चीजें खरीद के फिर उनकी चीजें नहीं है पता चला ये तो जाली रिकॉर्ड था और जितने केसेस हैं वो सारे जितने कतलों गार है पाकिस्तान के एटी परसेंट केसेज अगर आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक हो जाए तो रात को खत्म हो जाएंगे इतना बड़ा ये पाकिस्तान में फ्रॉड ये जो हाउसिंग सोसाइटियों का भी यही मसला है कि एक जमीन तीन तीन दफा खरीदनी पड़ती है

सर आ, मेरा क्वेश्चन होगा एक तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं या रन करते हैं तो सबसे बेहतर इदारा आपने किसको पाया एनओ जिससे भी आपके इंटरेक्शन आती है और सबसे बुरा इदारा कौन सा रहा ये पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन सर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो हमारी यूनिवर्सिटीज की प्रोडक्ट है एज अ मैनेजर एच का बंदा इंजीनियर वगैरह उसके बारे में आपका क्या ख्याल है क्या हम उस तरह की ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आपके जिस तरह फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उनके काम आता है या हम ज्यादा थ्योरेटिकल प्रेजेंट करते हैं ना अपने स्टूडेंट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं लास्टली आपका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है वट्स रॉन्ग विदिडेंशिया वो क्यों किन वजूहत की वजह से वो उस तरह से नहीं डिलीवर हो सका जिस तरह परसीव हुआ और अभी तक वो दरमियान में कहीं फंसा हुआ है ये जी, जी आपके तीनों सवाल बड़े हमें इसमें मैं दो रिक्वेस्टिंग करना चाह रहा हूँ एक आपने कहा कि जो मुख्तलिफारे हैं किसके साथ अच्छा ये बन, ए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अदारे रन नहीं कर रहे जो मेन इशू है अदारे जब रन करते हैं उसमें कंटिन्यूटी होती है उसमें बंदों को नहीं देखा जा सकता फद मैं दुबई में जाता मुझे नहीं पता दुबई का एस पी कौन है डी आई जी कौन है ना मुझे उनके किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का पता है पाकिस्तान में सबको पता है वहां इधर बंदे रन कर रहे हैं बंदे इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे हैं वहां इंस्टीट्यूशन बंदों को रन करते हैं या मुल्क को रन करते हैं तो पाकिस्तान में ये मसला जो है जैसे लशारी साहब का दौर था वहां ऐसे एन ओ सी इशू हो रहे थे क्योंकि वो ये नहीं देखता था जो केस का वो कहता आगे गई फाइल आज ही अप्रूव करनी है मैंने कल को नहीं करनी आज करनी है वो नीचे वाले भी तेज होते थे आज से चार पांच साल पहले आर डी ए ने बहुत काम किया वहां भी कोई अच्छा आदमी आया था उसने लोगों के रातों रात मिसाइल खड़े किए आज आर डी ए पाकिस्तान का बदतरीन अदारा है आज सी डी ए बदतरीन अदारा है क्यों काम ही नहीं करते एक मेंबर ने नैब में जाकर सी डी ए के मेंबर प्लानिंग ने कर कहा कि जी मैंने सी डी ए में करप्शन खत्म करती उसने कहा कैसे खत्म करती उसने कहा जी मैं दो साल रहा मैंने एक सोसाइटी को इजाजत नहीं दी ये हमारा म्यार है बाकी जो आपने एच आर की बात की है जो बड़ी जबरदस्त बात की है पाकिस्तान में कहीं पे भी आपको मैंने बताया टेक्निकल स्किल लेबर नहीं हम छोटी छोटी चीजों को उस तरह फोकस नहीं करते जिस तरह हमें करना चाहिए पूरी दुनिया में जो एच आर का अदारा होता है ये सबसे मजबूत और इतना खतरनाक अदारा होता है कि एच आर के एक छोटी सी काल से भी बंदे डरते हैं कि जे मुझे एक सेकंड में फायर कर देगा पाकिस्तान में जो किसी डिपार्टमेंट में सबसे बुरी परफॉर्मेंस हो उसको कहते हैं इसको एच आर में भेज दे हमारा एच आर पाकिस्तान का सबसे कमजोर डिपार्टमेंट एच आर है एच आर का तो काम होता है कि उसने हर वक्त एक विजन देना होता है अदारे को और एक स्टडी बनानी होती है फर्ज करे आपका एक अदारा है एच आर का एच आर का अदारा है डिपार्टमेंट कोई और है वो उसकी फाइल तैयार करेगा कि उस डिपार्टमेंट में कितने बंदे हैं उसकी सैलरी कितनी है उसकी वो ले जाएगा उसके पास वो कहेगा भाई आप इतने पैसे लेते हो आपने इतने अपने डिपार्टमेंट में इंप्लाइज रखे हैं आपके ऊपर गवर्नमेंट इतना साल का खर्च कर रही है आपकी बताएं आउटपुट क्या है? कभी एच आर ने पाकिस्तान में पूछा है किसी मिनिस्ट्री से जाकर पूछा है कि आपकी एच आर वाला पूरा पाकिस्तान का एक मिनिस्ट्री से पूछे कि आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर हम इतने अरब रुपया सालाना खर्च कर रहे हैं है। मेंटेनेंस गाड़ियों पेट्रोल डीजल आपकी जो ए, ए, हम जो आपको घर हमने दिए हुए उसके ऊपर बिजली के बिल टेलीफोन गार्ड ड्राइवर ये इतना पैसा बताएं आपकी मिनिस्ट्री की आउटपुट क्या है और उसके डिपार्टमेंट को उससे भी पूछा जाए तो ये मुल्क ठीक हो जाए तो हमारे तो एच में पूछते नहीं है बाकी जो आपने रेजिडेंस की बात की है वो आपको याद है कि मैंने अभी अपनी तकरीर में बात की उसमें भी अगर हमारी पांच परसेंट कमी है तो उसके साथ सीडीए है कि सीडीए डी कहता है अभी तक वो एनओसी इशू नहीं कर रहा हमने शुक्र है उसका एल और बाकी सारा करा लिया है उम्मीद है अगले दो या चार या मैक्सिमम दस दिन में उसका एन अब सी में कुछ काम हो रहे हैं अगर वो एनओ हो जाए तो हम दस मिनट में डेवलपमेंट कर देंगे लेकिन उसमें एक चीज की हमने किसी को कभी परेशानी नहीं होने दी ऐसे नहीं है कि अगर उसमें हमारे पार्ट पे कमी हुई तो पहले तो बात है कि हमने खुले दिल से उसको तस्लीम किया है कि भाई ये हमने नहीं कहा कि ये सीडीए की ए मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं मेंबर को हम ये नहीं कहते कि इसमें सी डी नहीं हमें एनओसी दे रहा हम कह रहे हैं कि नहीं ये हमारी गलती है आप बताएं हम आपके साथ क्या ट्रीट करें आपने डबल पैसे लेने हैं आप डबल पैसे ले लें आपके पास फैसल टाउन में हमारे पास गंजाइश है वहां शिफ्ट हो जाएं फैसल हिल में जाना है तो आपको वहां आपकी रकम डबल कर देते हैं तो हमने उनके लिए भी एक एसओपी बनाई हुई है कि यार जब तक ये जो लीगल इशू है ये कोई हल नहीं होते उतनी देर तक हम आपको और वैसे भी उसके आपको पता बड़े थोड़े से मैंबर हैं वहां लोगों का कोई अरबों खरबों रुपए का सरमाया नहीं लगा हुआ वो चंद पैसे हैं लेकिन हमारे लिए वो जिन के पैसे हैं हम उसको यही समझते हैं कि उनकी तो जमाशुदा पूंजी है तो उनके साथ अच्छा सलूक करें लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है या जिस तरह के हमारे हौसले हैं कि अगले ज्यादा ज्यादा थर्टी वर्किंग डे में वो मसायल हल हो जाएंगे तो सब हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं बस ये काफी ज्यादा सवाल ऑनलाइन आए हैं मैं आया आपसे पूछना चाहूंगा Uh, सलीम खान साहब कहते हैं ग्लोबल एक्सपीरियंस रियल चाइनाट एग्जाम्पल फाइंडिंग इट सेल्फ उनका ये कहना है कि आपका ये कहना है कि रियल स्टेट जो है ये डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है क्या ये सस्टेनेबल होगा या नहीं ये जो पायदार माशी तरक्की आ सकती है उससे या नहीं डॉक्टर uh, मोहम्मद जमील साहब पूछ रहे हैं Same like other property tycoons, how much corruption corruption your management management have to face face while taking approvals? approval तो दो सवाल जो है इनका कोई de देखे जो दूसरा है वो तो है ही corruption सच्ची जो बात है अगर करप्शन ना हो तो हम और इसमें हम ना सिर्फ वो डिपार्टमेंटो को हमें नहीं ज्यादा मलाइन करना चाहिए वो ये है कि वो उस कल्चर के नीचे है हम सिर्फ आइसोलेट करके डिपार्टमेंट को जी सी डी ए बड़ा करप्ट है, है, है वो आप पूरे मुल्क का पहले स्ट्रक्चर तो देखे आपका स्ट्रक्चर ही ये है जो पसाने वाला है आपके रूल ही वो हैं जो फसाने वाले हैं रूल इंसानों की फलाह के लिए नहीं हम बनाते हम हुक्मरानी करने के लिए बनाते हैं हम उनको टीज करने के लिए उसके उनको गुलाम बनाने के लिए बनाते हैं ये हमारा एक जो है वो हमारे पाकिस्तान की जो बुनियादी ए, एक नक्श है वो गवर्नस में ये है दूसरा आपने जो सस्टेनेबल का, वो भाई वो तब होगा अभी तो हम अपने जो मुल्क की जरूरत है मेरे हिसाब से अगले 20 साल लगे रहे तो वो नहीं पूरी कर सकते अगर हमने पाकिस्तान में सरमायाकारों को लाना है हमने टूरिज्म बनानी है बाहर से दुनिया को अट्रैक्ट करना है हमारे पास पूरा बलोचिस्तान पड़ा हुआ है हम उसको डेवेल्प कर सकते हैं सिंध पड़ा हुआ है पंजाब का पूरा थर के एरिए पड़े हुए बहावलपुर की साइड पर अगर हमने कर तो ये तो हौसलेंगे अगले सौ साल चलेगी कुछ दो चार दस दिन का नहीं है मसला ये है कि लोकेशन और क्वालिटी हाउसिंग इसकी जरूरत है तो ये बिजनेस अगले पचास सौ साल खत्म होने वाला नहीं है और ये तो आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो ऐसे पाकिस्तान में कहते हैं ये वो बहुत ज्यादा हाउसिंग नहीं है हाउसिंग सही बन नहीं रही क्वालिटी हाउसिंग की जरूरत है लोकेशन के हिसाब से और ये अभी सौ साल बिजनेस चले गए इनशाला uh, है जो एक तो आई uh, थिंक ये तो अंदाजा ज्यादातर लोगों को है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं डिवेलप्ड तो कौन करेगा ये डिवेलप आपके जहन में क्या है कि अगर रियल स्टेट इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो रियल स्टेट इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेट क्यों नहीं कर सकती और uh, uh, जो आपको भी पता है जो पावर स्ट्रक्चर है अब बड़े बड़े ठेके कहाँ जाते हैं कौन uh, बिजनेसेस को अंदर से रन कर रहा है किसका कितना है, तो अगर वो नहीं करना चाहेंगे तो हाउ वुड दिस चेंज यू अच्छा जी मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे मेरा बिजनेस है मुझे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा है गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो मैं गवर्नमेंट का हाथ बटाऊंगा कि अरबों रुपए का टैक्स दूंगा और इंप्लायमेंट जनरेट होगी लेकिन अगर गवर्नमेंट मेरे लिए कोई आसानी नहीं पैदा कर सकती तो मेरे लिए मुश्किल भी खड़ी ना करे असल मसला यह है कि जो गवर्नमेंट आगे फ्रंट पे बढ़ के मेरे लिए मुश्किल बैरियर लगाती है यानी गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा दुश्मन है वो मेरे सामने खड़ा है मैंने एक एक दुश्मन को जैसे वो वीडियो गेम में नहीं एक एक दुश्मन को मारना है का ये पाकिस्तान में बिजनेसमैनों के साथ हो रहा है कि उसको अपने बिजनेस को आगे रन करने के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों से एक बहुत बड़ी फाइट करनी पड़ती है ये जो पाकिस्तान में कल्चर फर्क करें मुझे छोड़ दें जैसे इस्लामाबाद की मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मुझे कहें जी आप अपना डिजाइन बनाएं और जुम्मेदार आप हैं बनाएं मैं सुबह बिल्डिंग स्टार्ट कर दूंगा पाकिस्तान की पचास इंडस्ट्री चलनी शुरू हो जाएगी कम अज कम एक बिल्डिंग पे तीन से चार हजार स्किल्ड लेबर को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा अगर मैं एफ टी टू की सुबह डेवलपमेंट शुरू कर देता हूं ओ भाई उसमें दो लाख रेजिडेंस रेजिडेंशियल यूनिट है एक बीस लाख की आबादी का शहर होगा जिसके साथ पचास साठ इंडस्ट्री है हाँ उसमें कोई सी का रूल या आरडीए का रूल मैं ब्रेक करूं तो मुझे आकर पकड़ ले लेकिन मुझे काम करने दे वो मुझे रूल के मुताबिक भी काम नहीं करने देते क्योंकि वो अप्रूवल देंगे तो मैं काम करूंगा अप्रूवल में वो हजारों नक्स निकालते हैं तो नहीं वो मैं अगली अगली बात भी मैं कर रहा हूं जो रह गया ये काम ये यकीन जान ये हमारा काम नहीं है बिजनेस मैनों को सहूलतें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करनी मैं मैं बता रहा हूं ना कि गवर्नमेंट हर बंदा वो काम कर रहा है जो उसका काम नहीं है गवर्नमेंट वो काम कर रही है जो उसके काम नहीं है गवर्नमेंट डेवलपमेंट में फंसी हुई है गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता गवर्नमेंट का काम पॉलिसी देना होता है वो लीडर होता है लीडर का, का काम विजन देना होता है लीडर का, का काम जाकर सड़कों में या बारिश का पानी चेक करना नहीं होता पाकिस्तान में उल्ट होता है हम उसको बड़ा समझते हैं कि जो देखे जी जे बड़ा एक लीडर है वो भाई ये तो देखे कि जो पानी खड़ा हुआ हुआ किसकी वजह से जे नहीं हमने कभी काज को नहीं देखा हम ये देखे बस जे आदमी आ गया ये बड़ा अच्छा है तो पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमने चीजों को ट्रू सेंस में आज दिन तक एनालाइज नहीं किया और उसका सोलूशन नहीं निकाला और उसके ऊपर अमल नहीं किया रीरा का रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का जी हाँ जी लेकिन उसकी उसका इशू ये था कि वो मेरा नाम सरदार ताहिर है मैं इस्लामा की जो रियल स्टेट एसोसिएशन इसका भी प्रेजिडेंट हूँ पूरे पाकिस्तान की फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ तो जो रीरा का ला पास हुआ बेसिकली उसमें भी स्टेक होल्डर को ऑनबोर्ड नहीं लिया गया जो भी रेगुलर आप रेगुलेशन बनाते हैं और उसमें अगर स्टेक होल्डर्स की इनपुट शामिल नहीं है और आप खुद इतने स्टडी uh, के ऊपर बिलीव नहीं करते जो बनाने वाले लोग हैं उन्होंने कुछ इंडिया का मॉडल उठाया कुछ यूएई का मिला के एक और अपने इन्वायरमेंट को देखे बगैर एक कानून पास कर लिया और वो अभी शेल्फ के ऊपर पड़ा हुआ है उससे कोई काम भी नहीं लिया जा रहा बननी चाहिए रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लेकिन जब आप उसके मेंबर्स वो हों उस उसमें शामिल वो लोग हों कि जो इस इंडस्ट्री से वापस हो जिनका एक्सपीरियंस हो जिनको पता हो कि प्रैक्टिकली काम करने के लिए हमें कौन कौन से मसाइल हैं और उन मसाइल का इदराक करते हुए रेगुलेशंस को बनाया जाए तो फिर जाके रेरा रे, रे, रे रे जो है वो एफेक्टिवली अपना रोल भी प्ले कर सकती है और वो एक इदारा होगा जो इदारा ओवरलुक करेगा हमारी तमाम इश्यूज को तमाम चाहे वो रियालिटर का इशू हो चाहे वो डेवलपर का इशू हो चाहे वो बिल्डर का इशू हो तो वो उसी सूरत में हो सकता है वो एक अच्छा सोल्यूशन तभी प्रोवाइड कर सकता है जब रीरा स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बनाया जाए और उसकी इनपुट इसके अंदर शामिल हो चले अच्छा बुरा कानून बन गया एक रूम बन गया अब चेयर कहाँ पे रखनी है अब मेज कहाँ पे रखना है हमने इस लैपटॉप कहाँ पे रखना है ये चीजें डिसाइड करने के लिए ही स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके ये बनाया जाए ताकि बिजनेस के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोड्यूस किया जाए दिया जाए मतलब मसलन अब अब आपने क्वेश्चन पूछा था फैसल रेजिडेंशिया का उसका इशू क्या था उसका इशू ये था कि आपका जो ब्लू एरिया है खुद जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लैंड है वहां पे आप कहते हैं कि हम बनाएंगे 600-700 या 800 फुट का ब्लू एरिया और जो प्राइवेट लैंड है प्राइवेट बिल्डर ने खुद परचेज करनी है वो परचेज करके वहां आप कहते हैं यहाँ ब्लू एरिया आप 1180 फुट का ब्लू एरिया छोड़ें और वो लैंड वो है जो हमने अरबों रुपए दे के खुद खरीदनी है इसमें हमें ना किसी बैंक की आ, हमें फाइनेंस मिलेगा हमने खुद अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मार्केट से पैसा लेना है वो सारे और फिर उसके बाद ये ये डिसाइड होना है कि ये ब्लू एरिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेचना है या उस उस प्राइवेट बिल्डर डेवलपर ने बेचना है मजीद साहब हैप्पीली फुट को आ, की जमीन खरीद के खुद बेचना चाहेंगे कि जब मैं खरीदूंगा मैं तो ब्लू एरिया मुझे कंसिडर करके लाइने लगा के दे दें मैं खरबों रुपए के प्लॉट बेच दूंगा तो जब आप ये कहते हैं कि नहीं ये खरीदें सब कुछ आप हवाले हमारे कर दें और ये बात डिस्प्यूट थी मैंने नंबर ऑफ टाइम मीटिंग करके हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि जहाँ आपका अपना इस्लामाबाद है जो आपने लैंड खुद एक्वायर किया है आप एक अथॉरिटी है वहां पे आप कहते हैं कि एफ इलेवन और आ, इस एफ इलेवन के सामने जो मार्गला रोड और इसके दाएं बाएं जो वो छोटा है लेकिन जहां से जोन टू शुरू हो जाता है और जो आप क्या खाली भी नहीं करवा सकते आप मुझे ये बताइए रेजिडेंशिया के सामने ही तो ब्लू एरिया नहीं है ब्लू एरिया तो वो जो इनकी लाइन है वो स्टार्ट हो जाती है जोन टू जैसे ही जी रोड से आप पार करते हैं और वहां पे हैविली इंक्रोच है और कौन सी इरेगुलर आबादी है वो दस दस फुट की गलियां हैं जो कभी भी खाली नहीं हो सकती तो आप सिर्फ एक अपना नक्शा ड्रा करने के लिए लोगों को तंग करें अच्छा उससे पहले जितनी आबादी है तो क्या उस सारी आबादी ने आपसे एनओ लेके दस दस मंजिला जी रोड के ऊपर बिल्डिंग्स बनाई है या वो जो घर बनाए हैं लोगों ने कच्ची आबादी आबादियां तो वो आपसे कोई आके तो आपसे कोई नक्शा उन्होंने पास करवाया था वो बनाई थी अच्छा उस उन्होंने तो बना लिया लेकिन जिसने आपको अरबों रुपये फीसिस की मद में फिर घरों के जब आप नक्शे सबमिट करवाएंगे फिर जब हम उसके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे उसके लेआउट प्लान के लिए फिर हमें आपको पैसे देने ऑफिशियल अनऑफिशियल वहां से आपको आमदन मतवके है तो वो तो काम आप हमें नहीं करने दे रहे लेकिन वो जो प्राइवेट लैंड पड़ी हुई है जिसके ऊपर घर भी बने इंक्रोचमेंट भी है और आपकी इन्फोर्समेंट के होते हुए वो सारी चीजें इंक्रोच हुई हैं और आज के दिन भी इंक्रोच हो रही हैं

2019 से रियल स्टेट रिसर्च करते करते मेरे एक दो सेशन आपके साथ हो चुके हैं जेनवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम किया है आज मैं देख के अक्रम साहब बैठे हुए हैं एम मोबाइल ग्रुप वाले साधदुल्ला भाई बैठे हुए हैं जिन्होंने इन्होंने उनको बिल्डर्स बनाया उससे पूरी एक इकोनॉमी का सर्कल चला बाकी जगहों पे जितना क्रिप्टो करेंसी मॉडल जो मैंने आपको बताया था वो हर जगह है सिवाए इस ग्रुप के अलावा लोगों का ट्रस्ट है आज कोई प्रोजेक्ट इनका लेकर देख लें जिसमें लोगों को नुकसान नहीं हुआ तीसरी चीज ये कभी भी गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देख के अपनी प्लानिंग नहीं करते ये अपनी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं और वहां से देखते हैं कि हमने एंड यूजर्स को क्या डेवलपमेंट देनी है क्या फैसिलिटीज देनी है क्या प्लान है और तमाम डिबेट में आपने देख लिया चौधरी साहब ने अपना विजन जो बता दिया है मैं गारंटी से कहता हूँ कि इनके टाउन प्लान के बिना एक दफा जो है ना जब ये वेट करते होंगे उनके प्लान को तो वो क्या रिफाइंड प्रोडक्ट निकलती होगी और निकलेगी हर जगह निकली है थैंक यू सो मच चौधरी साहब आपने इन्होंने हमेशा मुझे पजराई की मैंने इनसे कहा कि कि ये कहते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम आप चलाएं कि जितना रियल स्टेट में धोखा चल रहा है फ्रॉड चल रहा है तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं इस सेक्टर से बिलोंग कर दो नहीं नहीं ये चीज आप ना करें इन्होंने हमेशा मुझे इनक्रेज किया टाइम दिया पॉलिसीज डिस्कस की और यहाँ आने के लिए इन्होंने कहा कि मैं लाजमी इस फॉरम पे आके लोगों के सामने अपनी ओपिनियन बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया चौधरी साहब Dee, thank you so thank much. You.